गुड इवनिंग ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? देखिए, राजस्थान जीएस के लिए सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होगी, किस तरह से पढ़ना है ये देख लें। राजस्थान का जो जेई और एई वाले बच्चे हैं, जेई और एई, इनके लिए थोड़ा सा लेवल अलग रहेगा। आरएएस का, जीएस का लेवल अलग है। सबसे पहले तो दोनों को मिक्स नहीं करें। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो राजस्थान के नोट्स वगैरह अवेलेबल होंगे कोचिंग के, या जो ऑलरेडी लोग पढ़ चुके होंगे उनसे डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये ध्यान रखें, जेई एई का जो जीएस का लेवल है और आरएएस का जो लेवल है, दोनों में अंतर है। आरएएस में मेन सब्जेक्ट ही जीएस है, उनको दिन रात जीएस पढ़ना है, तो वहाँ जीएस ही मेन एरिया है, इसलिए वहाँ पे अप्रोच थोड़ी अलग हो जाती है, बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। जेई एई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों का ओवरव्यू जानना है, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं ये। एई में जब सोशल एस्पेक्ट का पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव है, तो वहां आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा सोशल एस्पेक्ट वाला, वो डिटेल में होगा, और बाकी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जेई एई के लिए पढ़ना है। पहले इसको ध्यान रखें, सबसे पहले इन दो चीजों को अलग कर लो आप। जेई एई के लिए ऑब्जेक्टिव जीएस जो आपको पढ़ना है इसका लेवल अलग है, सोशल एस्पेक्ट डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना है उसका लेवल अलग रहेगा, तो वो तो आपको बाद में अलग से कवर करना है। फिलहाल हम राजस्थान जीएस की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जीएस की अप्रोच अलग, आरएएस के लिए अप्रोच अलग रहती है। आप एक काम जरूर करना, राजस्थान के किसी भी एग्जाम में राजस्थान जीएस का वेटेज अच्छा खासा आता है, बाकी किसी भी स्टेट एग्जाम की तुलना में राजस्थान जीएस का वेटेज राजस्थान के पेपरों में ज़्यादा रहता है, और किसी भी स्टेट के पेपरों में इतना स्टेट नहीं आता। जैसे यूपी बिहार के पेपरों में, यूपी बिहार लोकल उतना नहीं पूछता, राजस्थान के पेपर में ज़्यादा रहता है। जैसे कि मैंने आपको एई का पेपर एनालिसिस बताया भी था, दो पिछले 11 साल में दो पेपर हुए हैं, 13 और 18 के जो पेपर हुए थे, एक बार 37 क्वेश्चन आए थे ऑब्जेक्टिव में, एक बार 49 के आसपास था। मतलब एवरेज आप मान के चलो 40 से 45% लगभग आप मान के चलो स्टेट जीएस, जितने जो भी पेपर होगा आपका, ए जेई जो भी पेपर आप दे रहे होगे, अगर उसमें बाकी सिलेबस भी है, जैसे एई में तो इंडिया का जीएस भी है, स्टेट का भी है, जेई का भी पैटर्न आप देख लो, तो अगर कंबाइंड सिलेबस ऐसा है कि इंडिया का भी आएगा राजस्थान का भी आएगा, तो राजस्थान राजस्थान का आप 40-45% एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे एई के पेपर की बात मैं करूँ, एई में इंडिया का भी जीएस आएगा राजस्थान का भी आएगा, तो वहाँ आप रफली 40-45% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं राजस्थान लोकल रहेगा। और जेई का भी आप पैटर्न देख लें, उसमें राजस्थान जीएस तो कॉमन है ही, बाकी क्या क्या एरिया आएंगे इससे कम तो वहां भी नहीं रहेगा। तो जो हम कवर कराएंगे क्लास में, सारी पीडीएफ मैं आपको बना के दूंगा, पीडीएफ सारी मैं बना के दूंगा, हर पीडीएफ 10 से 15 पेज की रहेगी, ताकि ज्यादा बर्डन ना पड़े। इकट्ठे 100 पेज दे देंगे तो आपको लगेगा इतना पढ़ना है, तो 10-15 पेज मैं मॉड्यूल बना बना के देता रहूंगा, उतना उतना कवर करते चलो, उतना पार्ट कवर हो जाए, उतनी क्लास कवर हो जाए, फिर सेकंड मॉड्यूल, ऐसे करके अगर हम 10-12 मॉड्यूल भी कर लेंगे, 100-150 पेज स्टेट लोकल पढ़ लेंगे, क्लास कर लेंगे, अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा जेईई के लिए। सोशल एस्पेक्ट हमारा अलग से है ही, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि कम टाइम में इफेक्टिव कैसे रहे, क्वेश्चन हमारे कैसे बने। दूसरी बात,
किसी का भी ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, लोकल कोचिंग में पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, सबसे मेन बात है 4-5 क्लास जब आप कहीं भी कर लो, कहीं भी 4-5 क्लास जब हो जाए या 2-3 क्लास के बाद भी PYQ तो आप देख ही सकते हो ना। कभी किसी का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना किसी का। आपके लेवल पे आपको जरूरी है PYQ जरूर देखने हैं, जरूर, ये आप स्किप नहीं कर सकते। राजस्थान के जितने पुराने पेपर हैं, जहां जहां राजस्थान लोकल पूछता है, वो सारे पेपर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान लोकल GS तो नहीं बदलेगा भाई, राजस्थान लोकल GS तो आएगा ही। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन का रिपीटेशन भी होता है, कई क्वेश्चन आपको रिपीटेशन में मिल जाएंगे, डाटा वाटा वाले क्वेश्चन, नंबर वाले क्वेश्चन रिपीटेशन में मिल जाएगा। तो PYQs आपको जरूर लगाने हैं, जितने पुराने पेपर मिल जाएं। AE के तो ज्यादा पेपर है नहीं, 13-18 दो पेपर अवेलेबल हैं। JEE वगैरह के पुराने पेपर जब जब भी हुए हों, कुछ पेपर चाहे तो RAS देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव सिंगल लाइनर क्वेश्चन, आसान वाले सिंगल लाइनर आसान वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि राजस्थान के पहले तो AE JEE देख लो, RAS को चाहे तो मत देखो। और भी जो इस तरह के एग्जाम होते हो राजस्थान के, RAS को छोड़कर जो और भी एग्जाम होते हैं, AE है, JEE है, और जो एग्जाम राजस्थान के होते हो, वो पेपर आपको जरूर लगाने हैं। ये हो जाए तब RAS के पेपर देख सकते हो, और पेपर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेटेस्ट पेपर जो हुआ हो वो पहले पुराना वाला, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। तो आपके लेवल पे आपको पेपर जरूर लगाने हैं, कोई कुछ भी कहता रहे, पेपर जितने लगाओगे उतना अच्छा रहेगा, क्वेश्चन की रिपीटेशन भी मिलती है। दूसरा एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे आप मान लो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, PDF भी दे रहा हूँ, अपने से भी तैयार कर रहे हो, या कोई बुक प्रेफर कर रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, जो जो PYQ के क्वेश्चन आए हैं, क्या हम उनको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ऐसे शॉर्ट नोट नहीं बना सकते? शॉर्ट नोट का मतलब है, मान लो एक पेपर आपने उठाया, 100 में से 40 क्वेश्चन राजस्थान थे, तो वो 40 क्वेश्चन आंसर जो आपने तैयार कर लिए, वो आप एक पेपर पे लिखते जाओ। जब आप 10-15 पेपर सॉल्व कर लोगे, मुश्किल से ये आपके 10-15 पेज तैयार होंगे, हार्डली 10-15 पेज का डाटा तैयार होगा, और वो डाटा होगा जो एग्जाम के क्वेश्चनों का आंसर है, जो एग्जाम में आए हुए हैं उनका कलेक्शन है। तो अपने लेवल पे ये भी कर सकते हैं कि आपने मान लो अगर 10 पेपर अलग अलग सॉल्व किए, और उन 10 पेपर में बस आपने पेपर सॉल्व किया, छोड़ दिया, अब वो याद कैसे रहेगा? तो हम ये तो कर सकते हैं कि राजस्थान लोकल का जो पार्ट उसमें आया हुआ है, राजस्थान लोकल का सिंगल लाइनर फॉर्म में ऐसे हम तैयार कर सकते हैं। भाई मुझे जो कराना है मैं तो कराऊंगा ही, पर अपने लेवल पे मैं कर सकते हैं ना। कोई भी बच्चा है वो PYQ तो लगा ही रहा होगा, तो PYQ जब लगा रहा होगा तो जो जो आंसर वो कंफर्म होते जा रहा है, भाई ये आंसर है, ये क्वेश्चन कर लिए, तो एक पेपर में से मान लो 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे अगर हमने 10 पेपर भी लगा लिए, तो कम से कम 400-500 पॉइंट तैयार हो जाएंगे। और एग्जाम के ही क्वेश्चन है, राजस्थान के पेपरों के क्वेश्चन है, रिपीटेशन की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, ये अप्रोच फॉलो करना जरूरी है, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं तो जो पढ़ा रहा है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है या टाइम पास कर रहा है। स्टेट लोकल के नाम पे कचरा बहुत करते हैं लोग। कचरा का मतलब है, एक तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डाटा ऑथेंटिकेशन की। स्टेट एग्जाम में एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है? डाटा ऑथेंटिक होना। एक ही टॉपिक को 4 जगह चेक करोगे, 4 आंसर मिलेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? डाटा ऑथेंटिक है कि नहीं। तो गवर्नमेंट की साइड डाटा जब चेक किया जाए, तो जैसे मैं आपको PDF दूंगा, तो मैं हमेशा जब तक 4-5 जगह वेरीफाई नहीं करता, मैं उस डाटा को पिक नहीं करता हूँ, और मैक्सिमम टाइम मैं रेफर करता हूँ गवर्नमेंट सोर्सेस। मैं आपको अपनी अप्रोच ही बोल देता हूँ, गवर्नमेंट साइट जो है, जो इन्फॉर्मेशन वहां अवेलेबल है, उसको आप पेपर के बाद क्लेम कर सकते हो कि गवर्नमेंट साइट पर ये दिया था, हमने यहाँ से पिक किया था, उसको वो डिनाई नहीं कर पाएंगे। कहीं और किसी कोचिंग से या विकिपीडिया वगैरह से लोगे तो वो आप चैलेंज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट साइट का डाटा है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं कि सर ठीक है, तो गवर्नमेंट साइट का डाटा होता है, उसको हम क्लेम कर सकते हैं। पहले मैं सारी चीजें बता देता हूँ, फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो पर्सन टू, ये जो सोर्स है, अलग अलग कोचिंग से कोचिंग या अलग अलग साइट, डाटा ऑथेंटिक होना एक ये चेक करना जरूरी है, डाटा ऑथेंटिक है कि नहीं ये जरूरी चेक होना। तो जब प्रीवियस ईयर आप लगाते हैं, उससे ये भी क्लियर होता जाता है। प्रीवियस ईयर जब आप लगाते जाते हैं, उससे पता लगता जाता है जो आप पढ़ रहे हैं वो अप टू द मार्क है कि नहीं, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, अभी 19 डिस्ट्रिक्ट, अगस्त 2023 में 19 डिस्ट्रिक्ट जब से बने हैं,
सबसे बड़ी परेशानी यहाँ से हो गई कि भाई ज्योग्राफी पूरा बदल जाएगा। ये तो ज्योग्राफी में जो हम बाउंड्री पढ़ते थे, जो हम एरिया पढ़ रहे थे, रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही है, तो 19 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होने से ज्योग्राफी पूरी चेंज हो गई। एक बड़ी समस्या लोगों के लिए यहाँ पर आ गई है। इसमें भी हर डाटा जो पेपर बनाएगा, सारा डाटा अपडेशन तो उसके पास भी नहीं होगा। अब इसमें दो समस्याएं हैं। एक तो ये है कि जो हमारे पास पुराना डाटा है उसको भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर कहीं से पुराना क्वेश्चन वो पिक करेगा तो वही एज इट इज आंसर मिलेगा पेपर में, और इस आंसर की आएगी तो देख लेना कि ये पुराना डाटा है, कई क्वेश्चन में तो वही आंसर फॉलो हो जाएगा, और कुछ में जहां पर अपडेटेड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कहीं कहीं पर आपको ये डाटा मिलेंगे अपडेटेड वाले। आप ये मत सोचना कि यूपीएससी की तरह बिल्कुल बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन एकदम सही फॉलो होता है, स्टेट में गलतियां खूब होती हैं। तो पेपर बनाने वाले के लिए भी चैलेंज है कि ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन जब वो तैयार करेगा तो 19 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होने के बाद, 23 में हुआ है अगस्त में, एक साल से ऊपर हो गया समय, अब ज्योग्राफी इसके बनने के पहले वाला जो आंसर होते थे, कई सारे क्वेश्चन जो पिक करते थे एक से दूसरे पेपर में, यहां से भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होंगे। दूसरा, कुछ इंफॉर्मेशन नई भी आ सकती है, डिपेंड करेगा पेपर बनाने वाला कितना स्मार्ट है, कितना वो खुद अपडेटेड है इंफॉर्मेशन के मामले में। सारी इंफॉर्मेशन तो 19 डिस्ट्रिक्ट वाली सारी की सारी तो गूगल पे मिलना मुश्किल होगा, कि सारी बाउंड्री, सारी रिवर, एक एक डाटा अपडेट हो गया हो, वो मिलना मुश्किल है। पॉइंट ये है यहाँ पर, ठीक है, किसी के लिए भी मिलना मुश्किल है। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, इस बात को ध्यान रखो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। अब राजस्थान जीएस में हमें किस तरह के एरिया पढ़ने हैं, क्या क्या अप्रोच रखेंगे, देखो ध्यान से सुनो। एक तो राजस्थान में क्वेश्चन कल्चर से तो आता ही आता है, कुछ टॉपिक में बता रहा हूँ, देखो कहाँ कहाँ से कवरेज रहेगा, क्या क्या हमें इसमें कवर करना जरूरी है। एक तो कल्चर का टॉपिक, कल्चर में राजस्थान के कल्चर के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, कौन से वहाँ डांस फॉर्म वगैरह हैं, लोकल कल्चर क्या है, रिचुअल्स क्या है, ये आएगा ही आएगा। जो यहाँ के क्राफ्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं जो मेले वगैरह लगते हैं, फेयर्स, क्राफ्ट्स हैं, मेले हैं, उसके बाद मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन बनेगा, मॉन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं, किले वगैरह, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका बनेगा राजस्थान की वाइल्ड लाइफ, राजस्थान का क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं, ये क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो स्टोन माइनिंग होती है, मार्बल वगैरह जो निकाला जाता है, स्टोन माइनिंग किस तरह का यहाँ ऑक्यूपेशन, रोजगार किस तरह के हैं यहाँ पर, फार्मिंग किस तरह की होती है, पशुपालन। भाई मेरी जो समझ है स्टेट एग्जाम को लेकर वो मैं बता दे रहा हूँ, आप खुद ही टैली कर लेना, आप खुद ही सिलेबस मैच कर लेना कि ये टॉपिक आते हैं कि नहीं, या पीवाईक्यू देखोगे तो भी पता लग जाएगा। वहाँ के कल्चर के बारे में, डांस रिचुअल सब इसमें आ जाएंगे, क्राफ्ट्स के बारे में, फेयर के मतलब मेले वगैरह जो लगते हैं, मॉन्यूमेंट जो जो हैं, फोर्ट्स जितने हैं, राजस्थान के क्लाइमेट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बात करेंगे तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, टाइगर रिजर्व कौन से हैं, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, एनिमल, बर्ड, बर्ड सेंचुरी कौन कौन सी है, ये सारे क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे वाइल्ड लाइफ वगैरह में। एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे थार डेजर्ट के बारे में पढ़ना है, थार डेजर्ट हमें पढ़ना है। इसके बाद डेजर्टिफिकेशन का मुद्दा, डेजर्टिफिकेशन ये पढ़ना है, वाटर स्कार्सिटी और उसके सॉल्यूशन, वाटर के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या सॉल्यूशन है, वाटर रिलेटेड चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, जैसे कि इरिगेशन क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, किस तरह का इरिगेशन अवेलेबल है, यहीं पर हम इंदिरा गांधी कैनाल की बात भी करेंगे, इंदिरा गांधी कैनाल की बात करेंगे। टॉपिक देखते जाइए, कई लोग सिलेबस लेके बैठे होंगे या कोई नोट्स फॉलो कर रहे होंगे, किसी को यूट्यूब पे फॉलो कर रहे होंगे, तो आप चेक करते जाना ये सब टॉपिक उसमें है कि नहीं, यही सब एग्जाम में पूछेगा।
कल्चर पे क्वेश्चन आएंगे, क्राफ्ट्स पे आएंगे, फेयर्स, मॉन्यूमेंट, फोर्ट, राजस्थान का क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ के बारे में, उसमें ये सब आ जाएगा। बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एनिमल, बर्ड्स, कौन कौन यहाँ पाए जाते हैं, ये सब क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद स्टोन माइनिंग, जिसको क्वेरिंग कहते हैं, मार्बल, पत्थर पत्थर निकालना, ऑक्यूपेशन के बारे में, फार्मिंग के बारे में, किस तरह की खेती की जाती है, क्या सीजन होता है, पशुपालन किस तरह का होता है, थार डेजर्ट के बारे में, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट एरिया एक्सपेंड कर रहा है, एक एनवायरनमेंट की बड़ी समस्या है कि डेजर्ट एरिया एक्सपेंड करता जा रहा है। ये तो सोशल एस्पेक्ट में भी आप पढ़ाया था, अभी भी होगा, यहाँ पे भी कराया जाएगा, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। इसके लिए प्रोग्राम वगैरह क्या है स्टेट के, स्टेट की कौन से स्कीम एंड प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उसके बाद वाटर के क्या चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशन क्या क्या है, इरिगेशन किस तरह का है, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में, और लिख देता हूँ मैं, फिर नोट कर लेना। तो टॉपिक की लिस्ट बना देंगे ना, तो आपको भी पता लगेगा भाई क्या क्या टॉपिक आप कर चुके हैं। एक बार मैं लिस्ट बना देता हूँ, उससे अंदाजा लगेगा। फिर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट वगैरह क्या चले यहाँ, इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्या रहा। जैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में पढ़ना ही पढ़ना, बिश्नोई समाज की अमृता देवी, इनके नाम पे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एक अवार्ड भी देती है, अमृता देवी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। अभी देखो काला हिरन फिर न्यूज में है, तो अमृता देवी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया जाता है। इनके बारे में पढ़ना कि अभय सिंह राजा हुआ करता था, महल बनवा रहा था, उसके लिए लकड़ी कटवा रहा था, 363 के आसपास लोग मरवा दिए गए थे, तो वो पूरी कहानी आएगी। इन्वायरमेंटल मूवमेंट पढ़ना है तो राजस्थान का ये तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा फिर आपका क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन से डैम्स हैं, डैम या बैरेज, कौन सी रिवर हैं, कौन से डैम या बैरेज हैं, हाइड्रो एंड थर्मल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, हाइड्रो थर्मल एंड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो थर्मल एंड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, सोलर वगैरह का प्रोजेक्ट, जैसे भाडला है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, स्टेट के स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, चाहे सोशल प्रोग्राम हो, चाहे इकोनॉमिक प्रोग्राम हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, भाई सोशल प्रोग्राम हो, चाहे इकोनॉमिक प्रोग्राम हो, चाहे इन्वायरमेंटल प्रोग्राम हो, स्कीम एंड प्रोग्राम स्टेट के, ये करंट में आता है, स्टेट की स्कीम और प्रोग्राम क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आता है राजस्थान की कुछ फेमस पर्सनैलिटी, जैसे सबसे पहले कौन थे, अभी न्यूज में कौन है, एक ये क्वेश्चन आता है। राजस्थान फेमस पर्सनैलिटीज, डिफरेंट डिफरेंट एरिया की फेमस पर्सनैलिटीज में आपके पॉलिटिक्स से भी, पॉलिटिक्स वाले भी, स्पोर्ट्स वाले भी, और कोई फेमस पर्सनैलिटी है, अवार्ड अवार्ड मिला हो, फर्स्ट अमंग द स्टेट, राज्य का पहला कौन था, ऐसे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट वुमेन कौन थी, पहले कौन थे, ये क्वेश्चन आते हैं। अभी राजस्थान की किसी पर्सनैलिटी को अवार्ड मिल गया हो, वो क्वेश्चन आता है। तो राजस्थान की फेमस पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या स्टेट के पहले कौन रहे, अभी कौन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। फिर टेम्पल्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, राजस्थान के टेम्पल्स और वहां के टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यूनेस्को साइट तो है ही, यूनेस्को साइट के अलावा और भी जो चीजें हैं, यूनेस्को साइट के अलावा भी जो टेम्पल्स हैं वो सब, टेम्पल्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहां से क्वेश्चन बनता है। जो जो लिख रहा हूँ ये सारी पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, सारा डाटा बना के मैं आपको दूंगा ये। फिर वहां पे मिनरल्स वगैरह क्या हो, कौन से, और माइनिंग, माइनिंग कौन कौन सी है, मिनरल और माइंस, नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब यहाँ के मिनरल्स एंड माइंस, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। करंट अफेयर में राजस्थान में नए नए काम क्या हुए हैं, कोई समिट कराई गई हो, दुनिया का कुछ सबसे बड़ी चीज बना दी गई हो, इंडिया का कोई सबसे बड़ी चीज बना दी गई हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान का सेंसस डाटा 2011 में जनगणना हुई थी, लास्ट लास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, तो सेंसस का डाटा डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछता है, तो लास्ट
सेंसस 2011 में हुआ था, तो वही डाटा अवेलेबल अपने पास। सेंसस के डाटा से क्वेश्चन आता है लिटरेसी किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा रही। अब ये जो 19 डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो तो अभी बने हैं, और सेंसस का डाटा तो आपके पुराने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट के हिसाब से रहेगा। जो 19 डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो तो अभी बने हैं, सेंसस का डाटा तो आपका पुराना वाला ही रहेगा ना, 2011 वाला। तो 31 डिस्ट्रिक्ट जो पहले वाले थे उसी के हिसाब से ये डाटा रहेगा पुराना ही। ये लिख रहा हूं इससे आपको ये भी जो पता रहेगा, जो आपको एक्सपेक्टेशन है कि भाई आरोहण पे क्या कवरेज कराएंगे, तो एक बार मैं ओवरव्यू बता दूं कि आपको पता रहे भाई यहां क्या कवरेज होने वाला है। जो चीजें मेरे दिमाग में है, मुझे जो कवर करने हैं वो ये सारे पॉइंट्स हैं। कोई लिख रहा है तो लिख लो या फोटो खींच लो, चाहे क्लास के बाद लिख लेना, ठीक है। रिवर कौन कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरीज उनकी कौन कौन सी हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से पास करती हैं, डैम बैरेज हाइड्रोथर्मल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कैपेसिटी कितनी है, सोलर में क्या काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएगा सोलर का टॉपिक। उसके बाद इसकी हिस्ट्री, इसके बाद राजस्थान की हिस्ट्री हम जितना पढ़ लें उतना कम है, इसको थोड़ा अलग रखो। ये सारे टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसके साथ में इसको रखो, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। राजस्थान की हिस्ट्री कितना ही पढ़ते चले जाओ, इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है उनको ध्यान देना, क्योंकि इसमें भी अगर बिल्कुल एंशियंट मेडिवल मॉडर्न पूरा पढ़ने लग जाओ तो अकेला हिस्ट्री बहुत टाइम ले जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ना है जितना जरूरी है, बहुत टाइम इसमें आरएएस में बहुत पढ़ना होता है, हिस्ट्री आरएएस की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। यहाँ पर हिस्ट्री में बहुत टाइम मत देना, जो जो डायनेस्टीज वगैरह हैं जितना जितना काम का है वो देख लेंगे। जैसे इसमें मुगल के साथ जो संधियां वगैरह हुई थी, युद्ध हुए थे, मुगल राजपूत रिलेशन, ये सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री भी खासकर मुगल रिलेटेड वाला जो है ना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, मुगल राजपूत रिलेशन वगैरह जो है वहां से क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में भी। मुगल के समय वाला जो है, जो रिलेशन रहे राजस्थान से, संधि हुई, वॉर हुई, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो एक एक राजा के हिसाब से पर्सनैलिटी वाइज हम बता देंगे, अब इसको रहने दो। ठीक है, अब किसी के दिमाग में कुछ और भी पॉइंट आ रहे हैं तो बताएं। किसी को लग रहा है कि सर यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रीवियस ईयर वगैरह देखा है तो और बताएं। अमित, कोई और टॉपिक रह रहा है एक बार देख लो। इकोनॉमी तो आपका राजस्थान इकोनॉमिक लिख दिया ना, यहाँ लिख तो दिया है मैंने, स्कीम प्रोग्राम वगैरह इकोनॉमी वाला भी सब इसी में ऐड होगा। बजट वगैरह की बात कर रहे हो आप, बजट वगैरह को लेकर आप बात कर रहे हो, वो इसी में कवर हो जाएगा। इकोनॉमी में करंट के क्वेश्चन बनते हैं मेन, तो इकोनॉमी में मेन करंट के क्वेश्चन है, बाकी जो इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे वो जब जीके करंट अफेयर में पढ़ाते हैं वहां से। राजस्थान का स्टेट बजट के क्वेश्चन आप बात कर रहे हो, वो इकोनॉमी जब कराएंगे करंट इकोनॉमी का पार्ट उसी में आ जाएगा। जैसे स्टेट स्कीम एंड प्रोग्राम्स बता रहा हूं मैं, तो इकोनॉमी ये बजट इसी में आ जाएगा, ये मैंने यहीं पर सोच के लिखा है इसी को। पॉलिटिक्स वाले में भी जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं, जैसे सोशल प्रोग्राम है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। पर एक चीज इसमें ध्यान रखो अमित, पॉलिटी जो मैंने पढ़ाया है इंडिया लेवल वाला, पॉलिटी को समझने के लिए, अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो पॉलिटी हमने पढ़ाई है कॉमन सबके लिए, भाई पॉलिटी तो ऐसा नहीं इंडिया का राजस्थान का, उसमें से क्या करते हैं ये। जैसे मैंने पॉलिटी में आपको विधानसभा के बारे में पढ़ाया, विधान परिषद के बारे में पढ़ाया, गवर्नर की पावर्स पढ़ाई, वो तो नहीं बदलेंगी ना। राजस्थान के कंटेक्स्ट में भी आप कोई भी किताब कुछ उठाओगे वही सब पॉलिटी मिलेगा, केवल पर्सनैलिटी के नाम चेंज हो जाएंगे, कौन इस पद पे यहाँ बैठे थे वो बदल जाएगा, पॉलिटी तो नहीं बदलेगी। तो पॉलिटी ऑलरेडी जो मैंने पढ़ाई है वही पॉलिटी काम आएगी। स्टेट लेवल पॉलिटी मैंने जो बताया था वहां पर, विधानसभा, विधान परिषद, लोकायुक्ता, पावर आवर सब वही रहेंगी, पावर नहीं बदलेगा।
तो पॉलिटी में फिर रिकमेंड करूंगा, पॉलिटी अगर कमांड करना है तो वहां से कवर कर लो पॉलिटी। पॉलिटी अगर आपका इंडिया पॉलिटी भी कोर्स में है, अगर राजस्थान जीएस के अलावा अगर इंडियन पॉलिटी भी कोर्स का पार्ट है तो पॉलिटी वो कवर कर लेना, क्योंकि उतना डिटेल में फिर यहाँ नहीं पॉसिबल है। गवर्नर की पावर में दोबारा यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, ऑलरेडी वहां पढ़ा चुका हूँ पूरा का पूरा, ठीक है? और बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक एक लाइन समझाया है। अब यहाँ एमपी एमएलए का अंतर थोड़ी बताया जाएगा, पूरा सब्जेक्ट भी खत्म किया है कुछ टाइम पहले ही। और एक बार पॉलिटी पढ़ लोगे जो पढ़ाया है, जिंदगी भर की फुर्सत हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान के गवर्नर की पावर अलग नहीं होंगी, गवर्नर की पावर वही रहेगी, ठीक है? संजय मैंने सारी चीजें बता दी हैं, अब आप शुरू से देखिए, या तो क्लास लेट आप ज्वाइन कर रहे हो, मैंने अभी सारा पॉइंट बोले हैं, ये शुरू करें टॉपिक। अब चलो इसके अलावा जो रह जाएगा मिसलेनस वो अपने हिसाब से हम कवर करते चलेंगे, इसके अलावा जो भी रह जाएगा मिसलेनस में वो अपने आप में ऐड करूंगा। टॉपिक पर आते हैं पहले। सबसे पहले सिंगल लाइनर क्वेश्चन, पीडीएफ मैंने कल ये दे दी थी, फोल्डर में आपको मिली, इसमें फोल्डर में मिल गई होगी। क्लास में सुनने पे ध्यान देना है, कोशिश करना है याद करने पे, जो जो मैं अपडेट करता चलूं कहीं पर कुछ ऐड करूंगा एडिशनल पॉइंट वो जोड़ लेना, तो आपकी लिखने की समस्या दूर हो गई। सबसे पहले क्लास में दो बार तीन बार हम रिपीट करेंगे, आपका काम है जो क्लास में सुनना ध्यान से, बने बनाए नोट्स में दे रहा हूं, जो पॉइंट मैं लिखूंगा हाथ से उसको आप वैसे ही लिखते चलना, ठीक है भाई? डिस्कस करते करते कोई पॉइंट दिमाग में आया वो आप नोट करते चलना। सबसे पहला राजस्थान स्टेट फॉर्मेशन, सबसे पहला क्वेश्चन एक आता है, राजस्थान डे कब मनाया जाता है? राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ है 30 मार्च 1949 को बना, तो जिस डेट को बना वही डेट क्या हो गई? राजस्थान डे। 30 मार्च 1949 और 30 मार्च को ही मनाया जाता है राजस्थान डे। अब यहां पर स्टार्टिंग में जब ये बना है तो पहले गवर्नर पोस्ट नहीं होती थी, शुरू में पोस्ट का नाम हुआ करता था राज प्रमुख। एक ये वर्ड देखो, राज प्रमुख, ये पोस्ट हुआ करती थी राज प्रमुख के नाम से। गवर्नर पोस्ट बाद में बनी है, पहले राजप्रमुख कहते थे। राजप्रमुख की जो पोस्ट है ये कई प्रोविंसेस वगैरह थी, कई स्टेट थी जहां ये पोस्ट चलती थी राजप्रमुख। 1947 से 56 तक ये चला है, जैसे राजस्थान में तो 1956 में ये पोस्ट खत्म हो गई। तो राजप्रमुख की जो पोस्ट है, गवर्नर नाम नहीं होता था पहले, राजप्रमुख बोलते थे। तो 1947 से लेके 1956 तक ये पोस्ट कुछ प्रोविंसेस और कुछ स्टेट में रही है। राजस्थान में ये पोस्ट 1956 में खत्म हो गई थी नवंबर में। और ये जैसे गवर्नर तो पोस्ट बाद में आई है, पहले इसको राजप्रमुख कहा जाता था। अब एक क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले राजप्रमुख कौन थे? नोट कर लो जरा, राजस्थान के पहले राजप्रमुख क्या नाम था, अलग से नोट कर लो ये जरा। तो 1949 में राजस्थान स्टेट बना है, तो यहाँ पे 49 से शुरू हुआ और 56 तक ये पोस्ट चली है। इंडिया में कई जगहों पर 47 से 56 तक राजप्रमुख पोस्ट रही है, राजस्थान में 49 से स्टार्ट हुआ है और 56 नवंबर 56 तक राजप्रमुख की पोस्ट रही है। उसके बाद गवर्नर की पोस्ट आ गई, है ना? गवर्नर की जब पोस्ट आ गई तो राजप्रमुख की पोस्ट जो है वो खत्म कर दिया गया। तो महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, राजस्थान के पहले राजप्रमुख ये थे, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, ऐड कर लो उनको। राजप्रमुख पोस्ट कुछ जगहों पर कुछ प्रोविंस और स्टेट में 1947 से 56 तक रही है, राजस्थान में 49 से 56 तक रही है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में ये पोस्ट खत्म हुई है। राजप्रमुख की जो पोस्ट है एंडेड ऑन
ये डेट भी नोट कर लो, 1 नवंबर 1956, इस डेट को ये पोस्ट खत्म हुई है, गवर्नर की पोस्ट शुरू हो गई है। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान फॉर्मेशन कब हुआ है? 30 मार्च 1949 राजस्थान डे मनाया जाता है। उस समय गवर्नर पोस्ट नहीं, राजप्रमुख पोस्ट यहां चला करती थी। 1949 से लेकर 56 तक, 1 नवंबर 1956 तक राजप्रमुख की पोस्ट रही है। महाराजा सवाई मानसिंह पहले राजप्रमुख थे, पहले राजप्रमुख ये थे, और ये पोस्ट एंड हुई है इस डेट को, ठीक है। राजप्रमुख की पोस्ट जो एंड हुई है वो 1 नवंबर 1956 को, पहले राजप्रमुख कौन थे वो ये थे। लिख लिया? और जैसा कि पॉलिटी में हमने पढ़ाया हुआ है, पॉलिटी में ऑलरेडी बता रखा है, जैसे यूनियन की हम बात करें, यूनियन की बात करें, जैसे यूनियन में होती है लोकसभा, फिर होती है राज्यसभा, फिर होता है प्रेसिडेंट, उसी तरह से स्टेट के अंदर क्या होता है, पॉलिटी जिन्होंने पढ़ी है उनको अच्छी तरह आइडिया है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसी यहां लोकसभा वैसी यहां लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसी यहां राज्यसभा वैसी होती है स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जैसे यहां प्रेसिडेंट होता है वैसे स्टेट में गवर्नर होता है। इसको बोलते हैं यूनियन लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका, और स्टेट लेजिस्लेचर है राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका होती है संसद बोलते हैं, केंद्रीय विधायिका है संसद। तो ये हो गया यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट होती है, संसद को बोला जाता है यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, और ये है स्टेट लेजिस्लेचर। तो यूनियन लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 में क्या लिखा है, पार्लियामेंट का मतलब होता है, यूनियन लेजिस्लेचर का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो पढ़ा हुआ पॉलिटी में, नहीं पढ़ा तो भी रिपीट कर दे रहा हूं मैं। आर्टिकल 79 संविधान में लिखा है यूनियन लेजिस्लेचर, तो यूनियन लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है, पार्लियामेंट में है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा जैसे काम करती है सेंटर में, वैसे ही स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर, ये जो हमने लिखा स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे सेंटर में लोकसभा स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे सेंटर में राज्यसभा वैसे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद हिंदी में, और जैसे यहाँ प्रेसिडेंट वैसे यहाँ गवर्नर। पर क्या राजस्थान के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है आज की डेट में? लेजिस्लेटिव काउंसिल राजस्थान के पास है क्या? राजस्थान के केस में अगर हम बात करें तो राजस्थान स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, वहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, गवर्नर है। क्लियर है? केंद्र में क्या है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है जो पूरे कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट का मतलब संसद, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो पूरे कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। तो पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जैसे यहां पे लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट है, स्टेट के पास होता है लोकसभा की जगह विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे यहाँ राज्यसभा वैसे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, और जैसे यहाँ प्रेसिडेंट वैसे यहाँ गवर्नर। स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा, क्या वो पूरे कंट्री के लिए एप्लीकेबल होगा या ओनली उस स्टेट के लिए होगा? स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी वो उस स्टेट के लिए है या पूरे कंट्री के लिए है? स्टेट लेजिस्लेचर उस स्टेट के लिए लॉ बनाएगा, उस स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा। राजस्थान की अगर बात कर लें तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है, और यहाँ गवर्नर है। तो लॉ बनता कैसे है? लॉ बनने के लिए पहले आता है बिल, बिल लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, वो बिल हाउस में आता है। जिन स्टेट के पास दो हाउस हैं वो दोनों उस बिल को पास करते हैं,
गवर्नर साइन करता है तो बिल बन जाता है एक्ट, पर राजस्थान के पास काउंसिल नहीं है तो असेंबली बिल को पास करेगी, गवर्नर साइन करेंगे, राजस्थान का बिल पास हो जाएगा, राजस्थान का कानून बन जाएगा। जो आप स्टेट पॉलिटी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले अमित, पॉलिटी जो हमने पढ़ाया था सारी चीजें बताई हैं, फिर से कुछ रिपीट कर दे रहा हूँ। राजस्थान के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल आएगा, असेंबली उसको पास करेगी, गवर्नर साइन कर देंगे, राजस्थान स्टेट में एक्ट बन जाएगा। बिल पास होने के बाद कहलाता है एक्ट, जब तक वो डॉक्यूमेंट डिस्कशन में होता है उसको बिल कहते हैं, जब वो पास हो जाता है उसे ही हम एक्ट कहते हैं। एक्ट के ऊपर एक्ट कर सकते हैं इसलिए एक्ट को एक्ट कहते हैं, एक्ट के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, बिल के ऊपर एक्शन नहीं होता, एक्शन हमेशा एक्ट के ऊपर होता है। एक्ट का मतलब है बन गया कानून। ठीक, अगला पॉइंट, इसमें कुछ लिखना है लिखो फिर हम आगे बढ़े। तो राजस्थान में कोई बिल पास होना है तो असेंबली बिल लाएगी, बिल पास हो जाएगा, यहां से गवर्नर साइन कर देंगे, राजस्थान का बिल जो है पास होकर वहां पर एक्ट बन जाएगा, वहां का कानून बन जाएगा। तो एक्ट जो बनेगा वो इस तरीके से। अब राजस्थान जो है वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं, कितने सदस्य होते हैं, राजस्थान की तरफ से लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राजस्थान की तरफ से राज्यसभा में कितनी सीटें, ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान के पास कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 200 लिखा है नीचे, सुनो बस ध्यान से। तो राजस्थान के पास विधानसभा है तो यहाँ मेंबर बैठते होंगे, और मेंबर बैठेंगे तो कितने मेंबर है, 200 मेंबर, और यहाँ पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर, जैसे लोकसभा में भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर होते हैं ऐसे ही विधानसभा में भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर होते हैं। ठीक है, तो और राजस्थान के मेंबर लोकसभा में भी जाते हैं राज्यसभा में भी जाते हैं। लोकसभा में है 25 सीटें, राज्यसभा में है 10 सीटें, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, नंबर ऑफ सीटें पूछ लेगा कितनी है, ये लिख लिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने बस अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया, 30 मार्च 1949, 30 मार्च को राजस्थान बना, राजस्थान डे मनाया जाता है, और ये सब कुछ बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया। ये जो डेट हमने लिखी 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 हमने डेट लिखी है। पॉलिटी में हमने पढ़ा था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये 1956 का कानून है। स्टेट वगैरह की जो फॉर्मेशन हुई, स्टेट वगैरह की जो फॉर्मेशन हुई, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से बना या और जो स्टेट वगैरह बनाए गए थे, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का कानून है। कुछ मैंने आपको पॉलिटी में कमीशन बताई थी, फजल अली कमीशन बताई थी, उसके पहले मैंने एक कमेटी बताई थी JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पृथ्वी सीतारमैया कमेटी। ये सब कमेटी बेसिकली इसलिए बनाई गई थी कि स्टेट किस तरह से बनाए जाए, स्टेट का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाए। अमेरिका में जैसे मैंने बताया था कि स्टेट आपको स्क्वायर शेप के दिखते हैं, हमारे यहाँ स्क्वायर शेप के नहीं है, स्टेट की बाउंड्री टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि मेन जो बेसिस लिया गया था वो भाषा आधार ली गई थी, भाषा के अलावा और भी पैरामीटर कंसिडर किए गए थे। पहले कमेटी थी उन्होंने कहा लैंग्वेज केवल आधार होना चाहिए, बाद में उसको मना कर रिजेक्ट कर दिया गया था कि लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है पर लैंग्वेज के अलावा और भी पैरामीटर लिए जाएंगे। तो ये सब कंसिडर होने के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कि स्टेट किस बेसिस पे बनाए जाएंगे, ये कानून 1956 में पास हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो राजस्थान का भी जो एरिया मिला, जो उसकी भी बाउंड्री वगैरह डिफाइन हुई, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, अगर मैं वर्ड यूज करूं कि राजस्थान को भी जो एरिया मिला कि डिफाइन हो गया भाई कहां तक स्टेट राजस्थान रहेगा, तो यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान जो है ये भी 1956 का ही है।
डेट एक बार चेक कर लो, डेट यही है वैसे, 1 नवंबर 1956 चेक कर लो, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान भी कितना एरिया होगा, क्या बाउंड्री होगी, ये भी इसी कानून के तहत यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान ये डेट है। इसीलिए राजप्रमुख वाली डेट भी देखो यहां पर एंड हो गई थी और यहां से गवर्नर पोस्ट शुरू हो गई थी, एक बार चेक भी कर लो डेट। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, भारत के जो राज्य क्रिएट किए गए, शुरू में 14 राज्य बने थे, तो 14 स्टेट वगैरह जो बनाए गए थे वो इसी कानून के तहत डिसाइड हुआ था कैसे कैसे बाउंड्री ली जाएगी, कितना कितना एरिया होगा। राजस्थान भी 1956 में यूनिफिकेशन होकर जितना जितना एरिया इनको मिला, जैसी राजस्थान की बाउंड्री है, तो 1 नवंबर 1956 की डेट थी ये। इसीलिए फिर राजप्रमुख की पोस्ट खत्म होकर गवर्नर की पोस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी और राज्यों की तरह। ये भी डेट नोट करो, डेट एक बार चेक भी कर लो, नवंबर 1956 से 1 नवंबर ही था। लिख लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो 19 डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट किए गए हैं और 3 डिवीजन बनाई गई है, अशोक गहलोत गवर्नमेंट जो थी उसमें जो 19 डिस्ट्रिक्ट और 3 नए डिवीजन जो बनाए गए, क्या डेट को बनाए गए थे, डेट के क्वेश्चन आते हैं। 7 अगस्त 2023, 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट और 3 नए डिवीजन राजस्थान में जो क्रिएट किए गए हैं 7 अगस्त 2023, टोटल डिवीजन हो गए 10, टोटल डिवीजन राजस्थान में 10, टोटल तहसील 426, टोटल गांव 2011 सेंसस के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से 44,672 गांव हैं, और राजस्थान की टोटल सीटें विधानसभा में अभी बताया था 200, विधानसभा की सीटें इनके पास 200, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10। राजस्थान की कितनी सीटें हैं, विधानसभा में 200, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10। फर्स्ट सीएम थे हीरालाल शास्त्री, फैक्चुअल क्वेश्चन है सर। पहली वुमेन सीएम, वुमेन पे स्पेशल इम्फेसिस है, स्टेट की कोई भी इंपॉर्टेंट वुमेन पर्सनैलिटी है वो भी एग्जाम का क्वेश्चन है, वहां से पूछता है। तो पहले सीएम राजस्थान के हीरालाल शास्त्री, पहली महिला सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, अभी जो सीएम है वो कौन से नंबर के सीएम है, 14th, अभी जो मुख्यमंत्री हैं 14वें मुख्यमंत्री राजस्थान के मिस्टर भजनलाल शर्मा, पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, और 14वें और करंट सीएम भजनलाल शर्मा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जितने भी सीएम राजस्थान में रहे सबसे लंबे समय तक सर्व किसने किया, मैक्सिमम ड्यूरेशन किसका रहा, सेकंड नंबर पे अशोक गहलोत हैं, सबसे लंबे समय तक रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया, 16 साल 194 दिन, फॉलोड बाई अशोक गहलोत, ये रहे हैं 15 साल 6 दिन। तो इसलिए ढूंढ ढूंढ के मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं सब, ये सब पूछता है। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया, 16 साल लगभग 200 दिन, और उनके बाद सेकंड नंबर पर अशोक गहलोत रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, पहली महिला वसुंधरा राजे 14वें, और अभी करंट में सीएम भजनलाल शर्मा, सबसे लंबे समय तक राजस्थान के सीएम रहे मोहनलाल सुखाड़िया, सेकंड नंबर पर अशोक गहलोत। एक एक लाइन क्लियर करते चलो। पहले गवर्नर राजस्थान के कौन थे, श्री गुरमुख निहाल सिंह, गुरमुख निहाल सिंह। पहली महिला गवर्नर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी यही रही हैं। राजस्थान के पहले गवर्नर श्री गुरमुख निहाल सिंह,
महिला गवर्नर प्रतिभा पाटिल 4 से 7, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी यही रही। राजस्थान के पहले गवर्नर कुरुमुख निहाल सिंह, पहली महिला गवर्नर प्रतिभा पाटिल, और करंट में अभी गवर्नर हरिभाऊ किशन राव बागड़े, प्रेजेंट में गवर्नर हरिभाऊ किशन राव बागड़े। फिर पहले गवर्नर, महिला गवर्नर, अभी करंट में गवर्नर। अगला आता है राजस्थान विधानसभा में सबसे पहले स्पीकर किसको बनाया गया था? मिस्टर नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला स्पीकर कौन रही थी? सुमित्रा सिंह। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले स्पीकर राजस्थान विधानसभा में नरोत्तम लाल जोशी, पहली महिला स्पीकर सुमित्र सिंह, और सबसे लंबे समय तक स्पीकर कौन रहे? राम निवास मिर्धा। फर्स्ट स्पीकर नरोत्तम लाल जोशी, पहली महिला स्पीकर सुमित्र सिंह, और सबसे लंबे समय तक सर्व किसने किया एज ए स्पीकर? राम निवास मिर्धा। सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर है ये। करंट में स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी। करंट में स्पीकर है वासुदेव देवनानी। और पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? डिप्टी स्पीकर का काम क्या होता है? स्पीकर जब सीट पर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर का कार्यभार संभालता है। स्पीकर जब सीट पर नहीं होता तो डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर बनाया जाता है। दूसरी बात, स्पीकर डिप्टी स्पीकर हाउस के मेंबर में से ही तय किए जाते हैं। स्पीकर की पावर्स वगैरह क्या होती हैं? अब आप ये मत कहना कि सर स्टेट का क्वेश्चन स्पीकर की पावर आ गया। अरे भाई, स्पीकर की पावर पढ़ा रखी है पहले भी, स्पीकर की पावर आवर पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर हाउस के मेंबर में से ही इलेक्ट किए जाते हैं। स्पीकर डिप्टी स्पीकर शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स। स्पीकर डिप्टी स्पीकर हाउस के मेंबर में से ही डिसाइड होता है किसको बनाना है। वोटिंग होगी, वोटिंग होकर जो जीत जाएगा वो बनेगा। तो ज्यादातर जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उसी पार्टी के लोग बनते हैं। तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर हाउस के मेंबर में से ही बनते हैं। शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स, हाउस के मेंबर में से ही बनाए जाते हैं। अब एक बात बताओ, इलेक्शन हुए और सब मेंबर जीतकर हाउस में आए, अभी स्पीकर बना नहीं है, तो हाउस के मेंबर को ओथ वगैरह दिलाने के लिए, हाउस को स्टार्ट करने के लिए एक टेम्परेरी स्पीकर बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अभी चुनाव हो गए, सब मेंबर जीत कर हाउस में आ गए, अब हाउस को स्टार्ट करना है, उनको शपथ वगैरह दिलानी है, हाउस को स्टार्ट कराना है, तो अब हाउस को स्टार्ट करने के लिए कोई पर्सन चाहिए, टेम्परेरी स्पीकर चाहिए, उसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। वो होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब है टेम्परेरी स्पीकर। ऐसे लोकसभा में भी होता है, यहाँ स्टेट में भी वही काम है, लोकसभा में भी वही होता है। लोकसभा का इक्विवेलेंट है विधानसभा, तो प्रोटेम स्पीकर होता है टेम्परेरी स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का काम है हाउस को स्टार्ट करा देगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर बन जाएंगे, ये अपना कार्यभार संभालेंगे, इसका काम खत्म। टेम्परेरी स्पीकर होता है प्रोटेम स्पीकर, सिर्फ ये हाउस को स्टार्ट करने के लिए बनाया जाता है। जब लोग जीत कर आए हैं तभी स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनने हैं, उससे पहले इसको बनाया जाता है, टेम्परेरी स्पीकर होता है ये। डिप्टी स्पीकर अभी हैं ये स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, और डिप्टी स्पीकर हैं लाल सिंह शक्तिवत। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर सबसे पहले थे लाल सिंह शक्तिवत। राजस्थान विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर थे लाल सिंह शक्तिवत। पहली महिला मंत्री राजस्थान में कौन रही? राजस्थान में फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर कमला बेनीवाल। अभी देखो, इनकी डेथ हुई है हाल ही में डेथ हुई है, अब इनके बारे में क्वेश्चन। पहली महिला मंत्री राजस्थान में कौन रही हैं? कमला बेनीवाल, 2024, अभी इनकी डेथ हुई है। अब ये क्वेश्चन है एग्जाम का।
कई डिपार्टमेंट वगैरह संभाले इन्होंने, कई सारी मंत्री रही हैं, गवर्नर रही हैं, कई पदों पे रही हैं, तो इनके बारे में दो चार लाइन। तो पहली महिला मंत्री राजस्थान में कमला बेनीवाल, हाल ही में जिनकी डेथ हुई, ये जाट फैमिली में 1927 गोरीर गोरीर जगह राजपुताना एजेंसी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे हुआ करता था, वहां पैदा हुई। ये कांग्रेस पार्टी से थी, कई सारे डिपार्टमेंट संभाले, मंत्री रही, कई सारे पोर्टफोलियो उनके पास थे, होम, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब डिपार्टमेंट संभालती रही। तो कांग्रेस गवर्नमेंट में रही, मिनिस्टर रही, कई सारे पोर्टफोलियो थे इनके पास, होम मतलब गृह, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब मंत्रालय इन्होंने संभाले। अशोक गहलोत गवर्नमेंट में रेवेन्यू मिनिस्टर भी रही। एक डिकेड तक 80 से 90 तक कैबिनेट मिनिस्टर रही राजस्थान गवर्नमेंट में, 10 साल 80 से 90। ये त्रिपुरा की गवर्नर रही 2009 में, पहली फीमेल गवर्नर नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में किसी राज्य में पहली महिला जो गवर्नर रही हो, कमला बेनीवाल। कहाँ रही थी? त्रिपुरा में। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में किसी राज्य में पहली महिला गवर्नर कमला बेनीवाल 2009 में। उसके बाद इनको गुजरात का गवर्नर बनाया गया था, मिजोरम की भी गवर्नर रही, गुजरात की भी गवर्नर रही, मिजोरम की भी गवर्नर रही। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी उसमें होल्ड किए, गवर्नर रही त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, इन सब जगहों पर। नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में पहली महिला गवर्नर कमला बेनीवाल, त्रिपुरा। राजस्थान असेंबली में, राजस्थान विधानसभा के अंदर कोई महिला सदस्य जो जीत कर आई हो, मैं मंत्री वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं कह रहा हूं कोई महिला जो राजस्थान विधानसभा में सदस्य बनी हो, कोई महिला जो राजस्थान विधानसभा में सदस्य रही हो, यशोदा देवी। ये इनका बर्थ ईयर 1927 बर्थ ईयर है, ये लाइन चाहे तो काट दो। पहली महिला जो राजस्थान विधानसभा में कोई वुमन आई हो विधानसभा के अंदर जीतकर, यशोदा देवी। दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है? कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री थी राजस्थान में, फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर रही ये राजस्थान में, तो पहली महिला मंत्री राजस्थान में ये रही हैं, पर कोई हाउस में मेंबर महिला जीत कर आई हो, यशोदा देवी। वुमेन मेंबर, कोई वुमेन राजस्थान विधानसभा में जीत कर आई हो, यशोदा देवी। फर्स्ट वुमेन जो राजस्थान से बिलोंग करती थी और लोकसभा में जीत के गई, फर्स्ट वुमेन राजस्थान की जो लोकसभा में गई थी जीतकर, गायत्री देवी। फर्स्ट वुमेन राजस्थान से जो लोकसभा में इलेक्ट हुई थी एज अ मेंबर, गायत्री देवी। फर्स्ट वुमेन राजस्थान से लोकसभा मेंबर बनी, गायत्री देवी। पहले चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट में कौन बने थे? कमल कांत वर्मा। राजस्थान हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे थे कमल कांत वर्मा। करंट में चीफ जस्टिस कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो पहले कौन थे? कमल कांत वर्मा। अभी कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। दोनों क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन जज, अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देखो। एक लॉयर कोटा से, मतलब लॉयर थी और राजस्थान हाई कोर्ट में जज बन गई हैं वुमेन, फर्स्ट वुमेन जो लॉयर कोटा से जज बनी है। अलग सवाल है ये, मैं पहली महिला जज नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लॉयर थी और लॉयर से जज बन गई है फर्स्ट वुमेन राजस्थान में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जल्दी की न्यूज है। रेखा बोराना, रेखा बोराना। तो राजस्थान हाई कोर्ट में फर्स्ट वुमेन जज जो लॉयर कोटा से आई हैं, रेखा बोराना। लॉयर कोटा से फर्स्ट वुमेन जज राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, रेखा बोराना। ये भी जल्दी का क्वेश्चन है। कांत कुमारी भटनागर, कांत कुमारी भटनागर ये वुमेन जज थी राजस्थान में, राजस्थान में वुमेन जज रही हैं। ये राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जो राज्य का मानवाधिकार आयोग है, उसमें पहली चेयरपर्सन भी थी कांत कुमारी भटनागर। ये फेमस पर्सनैलिटी रही कांत कुमारी भटनागर। राजस्थान में वुमेन जज भी रही हैं और राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब राजस्थान का राज्य का मानवाधिकार आयोग, उसमें चेयरपर्सन भी रही हैं।
मद्रास हाई कोर्ट में फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस भी थी, मद्रास हाई कोर्ट में फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस भी रही है। तो कांत कुमारी भटनागर वुमेन जज रही राजस्थान में, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में भी चेयरपर्सन रही और मद्रास हाई कोर्ट के अंदर पहली महिला चीफ जस्टिस भी रही, राजस्थान के अंदर पहली महिला चीफ जस्टिस भी रही। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे कुछ क्वेश्चन तो आपको इसमें से नजर आ जाएंगे। लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ राजस्थान, लोकायुक्ता कौन होता है? देखो लोकपाल एंड लोकायुक्ता, लोकायुक्ता स्टेट में करप्शन के मामलों को डील करता है, लोकपाल सेंटर में, पॉलिटी में दोनों पढ़ाए हुए हैं, लोकपाल लोकायुक्ता। लोकायुक्ता स्टेट में करप्शन के मामलों को डील करेगा, पर क्या लोकायुक्ता में गवर्नर भी कवर होता है? क्या गवर्नर पे भी कोई करप्शन का चार्ज है तो लोकायुक्ता उसको डील करेगा? मिनिस्टर वगैरह सब कवर होते हैं, मुख्यमंत्री हो कोई मंत्री हो, लोकायुक्ता उन सब करप्शन इश्यू को डील कर सकता है कोई हो इनमें। क्या गवर्नर लोकायुक्ता के मामले को डील करेगा? अगर लोकायुक्ता, ये गवर्नर का करप्शन का कोई चार्ज आ रहा है तो ये लोकायुक्ता डील करेगा क्या? सिमिलरली लोकपाल जो है वो सेंटर के करप्शन के मामले देखता है, तो प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो सब इसके दायरे में आते हैं, क्या प्रेसिडेंट इसके दायरे में आता है? ये दो सवाल हैं। जैसे सेंटर के लिए लोकपाल, वैसे स्टेट के लिए लोकायुक्ता, तो लोकपाल जो है क्या वो प्रेसिडेंट भी उस दायरे में आएगा? अगर कोई करप्शन प्रेसिडेंट पे आ रहा है चार्ज, तो क्या प्रेसिडेंट पर भी अप्लाई होता है? गवर्नर पर लोकायुक्ता वाला रूल नहीं अप्लाई होगा, सिमिलरली प्रेसिडेंट पर लोकपाल वाला अप्लाई नहीं होता। बाकी कोई भी मंत्री हैं सब इसके दायरे में आएंगे, लोकायुक्ता में मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो सब इसके दायरे में आते हैं, और लोकपाल में प्रेसिडेंट छोड़कर बाकी सब मंत्री कवर हो जाएंगे। तो राजस्थान में पहले लोकायुक्ता जो बने थे, लोकायुक्ता जो ग्रुप बनता है उसमें जो चेयरमैन थे, पहले लोकायुक्ता जो बने थे उनका नाम था आई डी दुआ। और अभी कौन है ये भी बताओ। पहले लोकायुक्ता राजस्थान में जो बने थे आई डी दुआ बने थे, अभी कौन है प्रेजेंट लोकायुक्ता ऑफ राजस्थान? प्रेजेंट लोकायुक्ता ऑफ राजस्थान प्रताप कृष्ण लोहरा। तो फर्स्ट लोकायुक्ता जो बने थे आई डी दुआ बने थे, अभी लोकायुक्ता प्रताप कृष्ण लोहरा। और एक बात, लोकपाल में जो अपॉइंटमेंट होता है, लोकपाल में चेयरमैन वगैरह जो बनते हैं अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो यहां पर अपॉइंटमेंट किसने किया होगा? लोकपाल में जब चेयरमैन वगैरह बनाए जाते हैं अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के नाम से होता है, तो फिर लोकायुक्ता में जो चेयरमैन बनता होगा यहाँ पर, इसका अपॉइंटमेंट कौन किया होगा? गवर्नर। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट वैसे स्टेट में गवर्नर।
तो अपॉइंटमेंट किसके नाम से होता है? स्टेट में अपॉइंटमेंट गवर्नर के नाम से होगा, ये ऐड कर लो जरा। प्रेजेंट लोकायुक्त ऑफ राजस्थान प्रताप सिंह लोहरा। अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो इसीलिए जो एडिशनल पॉइंट आएंगे वो लिखते जाना, मेन मेन लिखने का काम आपका खत्म हो जाएगा। पीडीएफ देने से मेन लिखने का काम खत्म हो जाएगा। ये जो कुछ कुछ मैं ऐड करता जाऊंगा ये जोड़ते जाओ। प्रताप कृष्ण लोहरा अपॉइंटेड बाय गवर्नर। अगर लोकपाल पूछे तो प्रेसिडेंट। क्लियर? एक और क्वेश्चन है, अन्ना हजारे वाला जो आंदोलन हुआ था वो लोकपाल के लिए हो कि लोकपाल बनाया जाए, कि मंत्री वंत्री जो है करप्शन इस लेवल पे ही बहुत होता है, तो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट वगैरह किए थे कि लोकपाल की नियुक्ति की जाए, लोकपाल बनाया जाए, तो वो जो एक्ट पास हुआ था उस एक्ट का नाम था लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट। उस एक्ट का नाम था लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। पॉलिटी पढ़ाया हुआ है ये, लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट 2013। पर कुछ स्टेट जो हैं वो पहले भी अपने यहाँ लोकायुक्ता एक्ट वगैरह पास कर चुके थे। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 जो पास हुआ, अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था तब ये कानून पार्लियामेंट से पास हुआ, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। पर कुछ स्टेट अपने यहां पहले से भी सिस्टम चलाते थे, जैसे राजस्थान में, राजस्थान लोकायुक्ता जो है ये कब फॉर्म हुआ था? इसके पहले ही राजस्थान लोकायुक्ता फर्स्ट टाइम कब पास हुआ था? ये राजस्थान लोकायुक्ता फर्स्ट टाइम ये पास हुआ था 1973। ईयर लिख लो, ये इकट्ठा जो पूरे देश में पार्लियामेंट ने कानून बनाया लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013, वो तो बाद में बना अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद। कई राज्यों के पास नहीं थी लोकायुक्ता वाली फैसिलिटी, पर राजस्थान वगैरह कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पहले से नियम चल रहे थे, जैसे राजस्थान लोकायुक्ता 1973 में फॉर्म हुआ था। 1973 में राजस्थान लोकायुक्त फॉर्म हुआ था। राजस्थान लोकायुक्ता एक्ट, स्टेट ने जो कानून बनाया था, राजस्थान लोकायुक्ता एक्ट, राजस्थान लोकायुक्ता कानून जो पास हुआ था 1973 में। तो कुछ राज्यों के पास पहले भी ये व्यवस्था थी लोकायुक्ता वाली। लिख लिया? तो पहले लोकायुक्त राजस्थान में आईडी दुआ बने थे, तो राजस्थान लोकायुक्त एक्ट 1973 में पास हुआ था। कुछ ही स्टेट थे जो सेंटर के
ये कानून के पहले ही अपने लोकायुक्त एक्ट पास कर चुके थे, महाराष्ट्र कर चुका था, राजस्थान कर चुका था, तो राजस्थान 1973 में पास कर चुका था कानून लोकायुक्ता वाला, और आईडी दुआ सबसे पहले लोकायुक्त जो बने थे आईडी दुआ बने थे। अभी प्रताप कृष्ण लोहरा सबसे पहला स्टेट, अब ये क्वेश्चन, पहला स्टेट भारत में लोकायुक्त पास करने वाला, लोकायुक्त एक्ट पास करने वाला, फर्स्ट स्टेट विच पास्ट लोकायुक्त एक्ट, सबसे पहले किसने पास किया था? महाराष्ट्र ने। भाई पॉलिटी पढ़ रखे हो तो जवाब दो साथ साथ, ये सब लिखवाया हुआ है वहां 1971 में। पहला स्टेट भारत में जो लोकायुक्त एक्ट पास किया था महाराष्ट्र ने किया था 1971 में, राजस्थान ने पास किया है 1973 में। तो ये फर्स्ट टाइम चाहे तो वर्ड हटा दो, ये फर्स्ट से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राजस्थान में पहली बार लोकायुक्त कानून जो है ये 1973 में आया, ये बता रहा हूं मैं। भारत में पहली बार लोकायुक्त महाराष्ट्र में आया, भारत में पहली बार महाराष्ट्र ने पास किया था लोकायुक्त कानून, और राजस्थान में जो पहला ये 1973, मतलब सेंटर ने तो बाद में पास किया, उससे पहले ही कुछ राज्यों के पास ये व्यवस्था थी। लोकायुक्त एक्ट भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र 1971, राजस्थान 1973। अगला सवाल, सिंबल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सिंबल, सबसे पहले स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल यहां पर दो हैं, स्टेट एनिमल राजस्थान में दो हैं, कैमल भी है और चिंकारा भी है। कैमल भी स्टेट एनिमल है, चिंकारा भी स्टेट एनिमल है। पहले तो इनके साइंटिफिक नेम क्या होंगे? चिंकारा इस तरह का दिखता है, देखा तो होगा सभी ने, ये है चिंकारा इस तरह का। तो राजस्थान के स्टेट एनिमल दो हैं, कैमल है और चिंकारा है। चिंकारा का साइंटिफिक नेम, चिंकारा का साइंटिफिक नेम है गैजेला वेनेटी। वेनेटी वर्ड याद मत करो, खाली पहला लेटर गैजेला याद कर लो। चिंकारा का साइंटिफिक नेम है गैजेला, गैजेला, इसको इंडियन गैजल भी बोलते हैं, गैजेला, या इसको इंडियन गैजल के नाम से भी जानते हैं। तो चिंकारा साइंटिफिक नेम है गैजेला वेनेटी, इसको इंडियन गैजल नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेट एनिमल बना है 1981 में, ये स्टेट एनिमल बना है 1981 में, इसको वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में डिक्लेयर किया गया था, और लीव स्टॉक कैटेगरी में, लीव स्टॉक कैटेगरी में जो यूजफुल एनिमल है कामकाज के लिए, उसमें कैमल को डिक्लेयर किया गया था 2014 में, कैमल को डिक्लेयर किया गया था 2014 में, लीव स्टॉक कैटेगरी जो यूजफुल एनिमल है कामकाज के लिए उनमें। तो दो स्टेट एनिमल हो गए, एक है चिंकारा, दूसरा है कैमल। कैमल भी कई प्रकार के होते हैं, जो राजस्थान वाला कैमल है उसका साइंटिफिक नेम है ये ड्रोमेडेरियस कैमेलस, तो नाम से ही क्लियर है वैसे, कैमेलस वर्ड लिखा है, देखो साइंटिफिक नेम लिखा है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो कैमल की भी कई प्रजातियां, कई सारे टाइप हैं, इसमें भी साइंटिफिक नेम भी अलग हैं। जो राजस्थान का स्टेट एनिमल है उसका साइंटिफिक नेम ये ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो दो स्टेट एनिमल हो गए, एक चिंकारा जो 1981 में घोषित हुआ था, दूसरा कैमल, राजस्थान वाले कैमल का नाम ड्रोमेडेरियस, ये साइंटिफिक नेम है, ये 2014 में बना है, लीव स्टॉक कैटेगरी, लीव स्टॉक मतलब यूजफुल एनिमल वाली जो कैटेगरी है उसमें कैमल। स्टेट बर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको चाहे यूपीएससी का पेपर हो चाहे स्टेट का पेपर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये आता है एग्जाम में, समझ लो जरा इसके बारे में दो चार लाइन।
आवाज़ आ रही है अभी? वो लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से कैमरा ऑन ऑफ हो रहा था। अभी वॉइस आ रही है क्लियर? कहाँ तक डिस्कस हुआ था ये बताओ मुझे, ये बता दिया था क्या? ये डिस्कशन हो गया था। दो स्टेट एनिमल हैं राजस्थान में, दोनों के साइंटिफिक नेम चिंकारा गैजेला बेनेटिस का नाम है। ये वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में इसको डिक्लेयर किया गया था। और कैमल जो है, कैमल के कई टाइप होते हैं। कैमल ऐसा भी होता है जिसके पीठ पे डबल हम्प बना होता है। ऐसे भी कैमल होते हैं जिनके पीठ पे ऐसे डबल हम्प होता है। राजस्थान वाला जो है उसके सिंगल हम्प होता है ऐसे। तो राजस्थान का जो जो स्टेट एनिमल है कैमल, ड्रोमेडेरियस साइंटिफिक नेम है उसका। कैसे कंफ्यूज करेगा? कैमल का साइंटिफिक नेम बताइए जो राजस्थान का स्टेट एनिमल है, पर एक दूसरा कैमल है उसका साइंटिफिक नेम में कैमलस वर्ड तो आएगा, यहाँ टर्म चेंज हो जाएगी। राजस्थान वाला जो है उसके नाम में ड्रोमेडेरियस वर्ड आता है। और भी दुनिया में और तरह के कैमल हैं, जैसे मैंने बताया एक कैमल ऐसा भी है जिसमें डबल हम्प होता है ऐसा, जो लद्दाख में पाया जाता है, सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। राजस्थान का वो नहीं है। राजस्थान वाला जो कैमल है सिंगल हम्प पीठ पे उसका सिंगल हम्प ऐसा होता है। तो ड्रोमडेरियस नाम है उसका, कैमलस ड्रोमडेरियस। अब बात आती है स्टेट बर्ड। ये बहुत एग्जाम का क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बहुत एग्जाम में पूछता है। तो राजस्थान की स्टेट बर्ड है बस्टर्ड। बर्ड को हम ऐसे बांटते हैं, फ्लाइंग बर्ड और नॉन फ्लाइंग बर्ड, उड़ने वाली और बिना उड़ने वाली बर्ड। उनमें जो सबसे हैवीएस्ट बर्ड है, अगर आपसे पूछे कोई सबसे हैवी उड़ने वाली बर्ड, वेट बहुत ज्यादा है और फ्लाई करती है, उनमें आती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो बस्टर्ड कैटेगरी के जो बर्ड्स हैं ये बहुत हैवी होती हैं और फ्लाई भी करती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्लाइंग बर्ड है कि नॉन फ्लाइंग बर्ड है? फ्लाइंग बर्ड है और बहुत हैवी बर्ड में से एक होती है ये। बस्टर्ड कैटेगरी में ही सबसे हैवी बर्ड का नाम होता है कोरी बस्टर्ड। वो इंडिया में नहीं पाई जाती वो इंडिया में नहीं मिलती है, वो मिलती है अफ्रीका में। हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड होती है कोरी बस्टर्ड। हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और बस्टर्ड फैमिली की ही इंडिया में जो पाई जाती है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको गोदावान नाम से भी जानते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसका साइंटिफिक नेम आर्डियोटिस निग्रीसेप्स, ये इसका नाम है। तो इतना लंबा नाम मत याद करो, ये निग्री वर्ड बस पिक कर लो, कोई एक वर्ड पिक कर लो जो ध्यान रह जाए, इतने लंबे लंबे नाम नहीं याद करने। तो गोदावान या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइंटिफिक नेम इसका आर्डियोटिस निग्रीसेप्स, ये इसका नाम होता है। तो कोई एक टर्म याद कर लो जिससे याद ध्यान रह जाए, जहां भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो वो नहीं याद करना है, सिंपल सा वर्ड याद कर लो, छोटा सा टर्म। कोई ऑप्शन आएगा तो पूरा नाम लिखेगा, आप छोटा सा टर्म याद कर लो। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बस्टर्ड फैमिली की ही है, सबसे हैवी बर्ड उड़ने वाली कोरी बस्टर्ड, वो अफ्रीका में है, वो इंडिया में नहीं। और इंडिया में बस्टर्ड फैमिली वाले ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है। गोडावान इसका दूसरा नाम है, साइंटिफिक नेम इसका ये होता है। इसको राजस्थान की स्टेट बर्ड बनाया गया 1981 में। और बहुत चिंता का विषय है, ये जो बर्ड है बहुत तेजी से कम हो रही है। जैसे टाइगर चिंता का विषय है कि टाइगर तेजी से कम हो रहा है, पर टाइगर पिछले 10 साल में उसकी पॉपुलेशन में इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। लास्ट 10 ईयर में टाइगर की पॉपुलेशन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, कि 1405 टाइगर बचे थे, अब वो 3500 से ऊपर हो चुके हैं इंडिया में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के केस में ऐसा नहीं है, स्थिति बहुत खराब है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ज्यादा जगह पाई भी नहीं जाती, राजस्थान में है, उसके अलावा गुजरात में है, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है। एक नेशनल पार्क है राजस्थान का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। राजस्थान का कोई भी पेपर हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन आएगा। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान के 2 जिलों में लाई करता है, लिखो लिखो मत, ये नोट्स में लिखा है मैंने, सुनने पे ध्यान दो, जैसलमेर और बाड़मेर, ये दोनों जिलों में पड़ता है डेजर्ट नेशनल पार्क। ये जैसलमेर में भी है, बाड़मेर में भी है। अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी है यहाँ, अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी, और थार का एरिया है।
थार डेजर्ट का एरिया है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर दो जिलों में पड़ता है, थार डेजर्ट का एरिया पड़ता है ये। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन मेनली यहां पर, ये एरिया है डेजर्ट नेशनल पार्क। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है मेनली ये एरिया है डेजर्ट नेशनल पार्क। अब राजस्थान ने 2013 के आसपास एक प्रोजेक्ट भी चलाया था इसके कंजर्वेशन के लिए, उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। ये भी क्वेश्चन आता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट कहाँ किसने चलाया था? राजस्थान गवर्नमेंट का प्रोग्राम था ये, 2013 में चलाया गया था इसके कंजर्वेशन के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट 2013 का, ये राजस्थान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, आईएएस वाईएएस सब में आया हुआ है। ठीक, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट 2013 का प्रोजेक्ट है, राजस्थान ने शुरू किया था, इसी के लिए पॉपुलर है ये एरिया डेजर्ट नेशनल पार्क, तो जैसलमेर बाड़मेर दोनों एरिया में लाई करता है। एक मेरा सवाल आपसे, डेजर्ट नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन हैबिटेशन है या नहीं है? राजस्थान के जो लोग हैं वो मुझे बताएं कि डेजर्ट नेशनल पार्क का जो एरिया है क्या ह्यूमन हैबिटेशन उसके अंदर है या नहीं है। जनरली नेशनल पार्क में ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, क्या डेजर्ट नेशनल पार्क में है कि नहीं? जनरली जहां नेशनल पार्क वगैरह बनते हैं उसमें ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होते, डेजर्ट नेशनल पार्क में ह्यूमन सेटलमेंट है कि नहीं है? कोई राजस्थान से है, इस एरिया से बिलोंग करता है तो बताए। पारस मीना, ज्यादातर नेशनल पार्क हैं जहां ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, पर यहां पर आपको गांव वगैरह दिख जाएंगे, ट्राइबल वगैरह दिख जाएंगे, गांव वगैरह ट्राइबल वगैरह पॉपुलेशन दिख जाएगी, ह्यूमन सेटलमेंट है यहां पर। डेजर्ट नेशनल पार्क आप जाएंगे ह्यूमन सेटलमेंट आपको नजर आ जाएगा, जनरली नेशनल पार्क में नहीं देखने को मिलता, नियम होते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट वहां नहीं हो, पर ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर आपको विलेजेस ट्राइबल वगैरह दिख जाएंगे इस एरिया में। सिविल सर्विसेज में मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था और एक स्टेटमेंट लिखा था देयर इज नो ह्यूमन सेटलमेंट इन साइड दिस एरिया, गलत, ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर है। एरिया बोल तो रहा हूँ जैसलमेर बाड़मेर थार डेजर्ट, तो यहाँ के बारे में जानते हो तो भी ह्यूमन सेटलमेंट है वहां। ठीक है, अब देखो इसके बारे में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पहले से शक्ल देख लो, थोड़ी और बड़ी फोटो देख रहा एक, ये है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पता है कि खत्म क्यों हो रही है? अगर मान लो हम मेंस के हिसाब से अगर आपको बताएं पूरी कहानी अगर डिस्कस करें, लिखना पॉइंट अगर आपको, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे ग्रासलैंड एरिया वगैरह है जहां ये रहती है, ये बर्ड पाई जाती है, वो बेसिकली ग्रासलैंड वगैरह एरिया है, कोई डेंस फॉरेस्ट उत्तराखंड और साउथ की फॉरेस्ट तो है नहीं। अब ये थार डेजर्ट का एरिया ऐसा है कि वहां खेती वेती बहुत ज्यादा नहीं होती, वहां मेनली लोग डिपेंडेंट हैं कैटल्स के ऊपर। अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो लगभग 1:7 कैटल का रेशियो है कि पर फैमिली लगभग 7 कैटल, क्योंकि वहां मेन बिजनेस ही क्या है, मिल्क डिपेंडेंट या वुल डिपेंडेंट। खेती अगर नहीं है तो ऑप्शन क्या बचते हैं, कोई दूसरा अल्टरनेटिव, तो मेनली वहां पर जो ऑक्यूपेशन है वो कैटल पे डिपेंडेंट है, जानवरों पर निर्भर है। और थार डेजर्ट दुनिया के सबसे ज्यादा ऐसे डेजर्ट में है जहां पॉपुलेशन है अच्छी खासी, थार पूरा खाली डेजर्ट नहीं है, दुनिया के डेजर्ट डेजर्ट अगर कंपेयर कर लें, थार पॉपुलेशन के हिसाब से अच्छी खासी जनसंख्या वाला डेजर्ट है, और 1:7 लगभग कैटल का रेशियो है कि पर फैमिली लगभग 7 कैटल रखते हैं। तो अब ये बताओ, कैटल रखते हैं तो इसका मतलब मेन बिजनेस क्या होगा, दूध होगा, ऊन वगैरह होगा, वूल प्रोडक्शन भी राजस्थान का अच्छा है, पर ये कैटल खाएंगे क्या? खाने के लिए बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं, बेसिकली वो ये ग्रास वगैरह खाएंगे। और ये जो बर्ड पाई जाती है ये ग्रासलैंड एरिया ही है जहां ये मिलती है बर्ड, ये जो बर्ड पाई जाती है ज्यादातर वो ग्रासलैंड एरिया जहां ये पाई जाती है, तो बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग के कारण ग्रास जो है उसको खा जा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग भी एक बड़ा कारण है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के खत्म होने का,
कि इसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसका हैबिटेट जो है वो लॉस हो रहा है, इसका हैबिटेट जहां रहती है बर्ड वो एरिया खत्म होता जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण है ये जो ग्रासलैंड है ये खत्म होते जा रहे हैं। दूसरा एक बड़ा कारण है हाई टेंशन वायर, जो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह गुजर रही है राजस्थान गुजरात वगैरह में। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया था कुछ समय पहले कि अंडरग्राउंड करिए इसको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन को खतरा है। कुछ समय पहले का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन कम होती जा रही है और अंडरग्राउंड करिए, गुजरात और राजस्थान दोनों जगह उन्होंने कहा कि बहुत कम बची हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, टाइगर इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इसकी स्थिति और खराब है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। उसके अलावा एक कारण है पोचिंग, पोचर्स जो होते हैं जो जानवरों को मारते हैं उनके बॉडी पार्ट वगैरह बेचते हैं, पोचिंग भी एक कारण है, हंटिंग भी एक कारण है। तो कई समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये विलुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, और ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, इसलिए भी यूपीएससी का फेवरेट है, यूपीएससी बहुत पूछता है। स्टेट में तो आपके बहुत चांस रहते हैं, लगभग 10 में से 5 पेपर उठाओगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, एक और सवाल, डेजर्ट नेशनल पार्क, स्टेट बर्ड, ये सब बात तो समझ आ गई, इस बर्ड के नाम पर ही एक सेंचुरी है, वो कहां पर? डेजर्ट नेशनल पार्क तो राजस्थान में है पर इसके नाम पर एक सेंचुरी भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, भाई नेशनल पार्क का ही छोटा रूप मान लो सेंचुरी, तो इस बर्ड के नाम पे सेंचुरी कहां पर है? भाई सबसे पहले आपके लिखने की सरदर्दी छूट गई, सुनने पे ध्यान दो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, सुनने पे ध्यान दो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम पर, इस बर्ड के नाम पे सेंचुरी किस राज्य में है? सेंचुरी राजस्थान में नहीं है, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है जहां ये बर्ड की ठीक पॉपुलेशन है, पर इस बर्ड के नाम पे सेंचुरी महाराष्ट्र के पास है, सेंचुरी इसके नाम पे महाराष्ट्र में है, नेशनल पार्क का ही छोटा रूप समझ सकते हो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिंदी में वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं, हिंदी में कह देते हैं वन्य जीव अभयारण्य। तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान जहां ये बर्ड की ठीक पॉपुलेशन पाई जाती है, पर इस बर्ड के नाम पे सेंचुरी राजस्थान में नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो राजस्थान लिखेगा ऑप्शन में, गलत, इसके नाम पे सेंचुरी महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब वन बाय वन देखते चलें। गोदावान या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसका साइंटिफिक नेम आर्डियोटिस निग्रिस है, राजस्थान की स्टेट बर्ड डिक्लेयर हुई 1981 में, ये उड़ने वाली सबसे भारी बर्ड्स में से एक है, उड़ने वाली जो बर्ड होती हैं उनमें सबसे हैवी बर्ड्स में से एक है, इसी फैमिली की सबसे हैवी बर्ड दुनिया में कोरी बस्टर्ड जो अफ्रीका में पाई जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी उस बस्टर्ड फैमिली की ही है, सबसे हैवी ये नहीं, सबसे हैवी है कोरी बस्टर्ड, ये भी हैवी होती है पर सबसे हैवी इस फैमिली में कोरी बस्टर्ड, वो इंडिया में नहीं, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में, और स्पेसिफिक जरूरत है नहीं आपको, पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। तो गोदावान या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड किस कैटेगरी में है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, टाइगर से भी खराब स्थिति है, टाइगर की पॉपुलेशन तो इंप्रूव कर गई है अब, पर इसकी स्थिति सही नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या कारण है? हंटिंग के कारण खत्म हो रही हैबिटेट लॉस हो रहा है, और जो हाई पावर्ड पावर केबल ट्रांसमिशन लाइन जो जा रही हैं उनसे कॉलिजन होकर भी खत्म हो रही है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है ये, हंटिंग के कारण कम हो रही हैबिटेट लॉस भी हो रहा है, और फ्रिक्वेंट कॉलिजन हाई पावर लाइन जो केबल्स हैं उनसे टकराकर, गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान। प्रोटेक्शन के लिहाज से इसको किसमें रखा गया है? अगर इसका कोई शिकार विकार करता है तो पनिशमेंट वगैरह जो मिलेगी कैसे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, भारत का जो कानून है, ये राज्य का कानून नहीं है, भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें शेड्यूल 1 के अंदर सूची 1 में जो एनिमल रखे हैं उनमें इसको भी रखा गया है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो कानून है उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शेड्यूल 1 में मेंशन है, मतलब इसकी हंटिंग वंटिंग अगर होगी तो पनिशमेंट वगैरह भी है, जेल वगैरह के प्रावधान भी हैं। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में
शेड्यूल वन में मेंशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब एक बात आई, क्रिटिकल इंडेंजर्ड एक शब्द लिखा हमने। क्रिटिकल इंडेंजर्ड का क्या मतलब यहां पर देखो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड से हमारा क्या मतलब है, एक इंटरनेशनल एजेंसी है उसका नाम है IUCN, IUCN इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में ये बनी थी। ये एक लिस्ट जारी करता है जिसे कहते हैं रेड डाटा लिस्ट, या इसको रेड बुक कह देते हैं, रेड बुक या रेड डाटा लिस्ट। इसमें इन्होंने 7 कैटेगरी डिवाइड कर रखी हैं, अलग अलग स्पीसीज के लिए कैटेगरी बनाई हुई हैं, जिनके नंबर जैसे होंगे वैसी कैटेगरी में रखा जाएगा, जिनके जैसे नंबर होंगे वैसी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ऐसे 7 कैटेगरी बनाई हैं, 2 और कैटेगरी हैं पर उनमें डाटा नहीं है अपने पास, 2 और भी कैटेगरी हैं पर उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 कैटेगरी हम लिख देते हैं डाटा अवेलेबल नहीं है, तो वो 2 को पढ़ना ही क्यों है। ये 7 कैटेगरी बेसिकली जहां डाटा होता है, 3, 6, 7, हाँ ये 7 कैटेगरी हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है लीस्ट कंसर्न कहा जाता है, सबसे पहली कैटेगरी लीस्ट कंसर्न, मतलब पॉपुलेशन कम तो हो रही है पर अभी चिंता का विषय नहीं है, पॉपुलेशन घट रही है पर अभी चिंता का विषय नहीं है, जैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इससे भी कम हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा तब बोलते हैं वल्नरेबल। नहीं एक मिनट, लीस्ट कंसर्न, उसके बाद आता है नॉट थ्रेटेंड, फिर आता है वल्नरेबल, फिर आता है इंडेंजर्ड, फिर आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड 5 हो गए, 2 और हैं, एक है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और एक होता है एक्सटिंक्ट, ऐसे 7 कैटेगरी। इसके बाद 2 और बनाए हुए हैं, डाटा डेफिशिएंट, डाटा अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करना है, जहां डाटा अवेलेबल है बेसिकली 7 कैटेगरी हैं। तो IUCN 1948 में बनी, एक इंटरनेशनल एजेंसी है, तो ये डाटा जारी करता है स्पीसीज वगैरह के बारे में। इसमें 7 कैटेगरी हैं, अलग अलग स्पीसीज, जिसकी जैसी पॉपुलेशन वैसी उसकी कैटेगरी। एलसी शब्द का मतलब है लीस्ट कंसर्न, कि घट तो रहा है पर अभी चिंता का विषय नहीं है। एनटी का मतलब है नॉट थ्रेटेंड, कम हो रहा है पर अभी खतरे के लेवल तक नहीं आया, नॉट थ्रेटेंड, कम तो हो रहा है पर अभी थ्रेट के लेवल तक नहीं आया। फिर आता है वल्नरेबल, जैसे काजीरंगा का एक सींग वाला गैंडा, काजीरंगा असम का वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल, ऑलिव रिडले टर्टल कई सारे हैं, इंडेंजर्ड टाइगर लॉयन, ये सब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, टाइगर लॉयन वगैरह जो है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, खतरे में है। इससे भी कम पॉपुलेशन हो जाती है तब कहा जाता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। ज्यादातर जो बर्ड्स हैं जो खत्म होती जा रही हैं वो इसमें आती हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जैडन कॉर्सर है, कई सारी बर्ड्स, जो वल्चर है, जो बर्ड्स कम हो रही है चिंता का विषय है, वो ज्यादातर इस कैटेगरी में है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। और फॉरेस्ट एरिया में कई दिन जो नजर नहीं आ रहा, फॉरेस्ट एरिया में कई दिन तक नजर नहीं आए तो उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, कि अपने नेचुरल हैबिटेट में ये गायब हो गया है, दिख नहीं रहा कई दिन से, और कई दिन तक नजर नहीं आएगा तब कह देंगे विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर चीता, चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका था, अभी जो चीता लाए गए हैं, करंट अफेयर में बताया था, सब बाहर से लाए गए हैं, इंडिया में चीता पॉपुलेशन खत्म हो गई थी 1948 में, लास्ट टाइम देखा गया था छत्तीसगढ़ में, और 1952 में डिक्लेयर कर दिया था कि विलुप्त हो गया, 1948 में साल फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में लास्ट टाइम देखा गया था, 1952 तक नहीं दिखा तो डिक्लेयर कर दिया एक्सटिंक्ट हो गया। तो IUCN रेड डाटा बुक इंटरनेशनल, ये लिस्ट डाटा है, ये इंटरनेशनल एजेंसी है, और उसमें 7 कैटेगरी बनाई है, स्पीसीज को कैटेगराइज किया पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन कम हो रही है अभी चिंता का विषय नहीं लीस्ट कंसर्न, और घट गया नॉट थ्रेटेंड, उससे भी कम हो गया वल्नरेबल, वल्नरेबल का हिंदी मतलब दयनीय हालत है, हालत वल्नरेबल है, दयनीय है, और घट गया इंडेंजर्ड, उससे भी कम क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और स्थिति खराब,
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसमें है, टाइगर लॉयन इसमें है, ठीक। और कम हो गया, जंगल में अपने नेचुरल एरिया में बहुत दिन से दिख नहीं रहा, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और कई दिन तक नजर नहीं आया, पक्का हो गया कि विलुप्त हो गया है, तो एक्सटिंक्ट। इस तरह से कैटेगराइजेशन किया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहां पर है, इसमें लिखना है, लिख लो इसको। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसका मतलब ये है, इससे हमें थ्रेट लेवल का पता लग रहा है कि क्या क्यों चिंता का विषय है, इससे हमें थ्रेट लेवल का अंदाजा लग रहा है। लिख लो तो बता देना। कंप्लीट हो जाए तो बोल देना भाई। एनवायरनमेंट रिलेटेड ज्यादातर हेडक्वार्टर एनवायरनमेंट की संस्थाएं जो हैं, WWF, IUCN, ज्यादातर हेडक्वार्टर एनवायरनमेंट वाले आपको यहां मिलेंगे। ग्लैंड दुनिया की सबसे ज्यादा संस्थाओं का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, पर एनवायरनमेंट रिलेटेड ज्यादातर हेडक्वार्टर आपको यहां मिलते हैं ग्लैंड में। ग्लैंड कहां पर है? स्विट्जरलैंड। एनवायरनमेंट के ज्यादातर हेडक्वार्टर यहीं पर है, WWF एक संस्था है, IUCN है, इन सबके हेडक्वार्टर यहीं पे है। फुल फॉर्म भी लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कैटेगरी ये है। राजस्थान वाले दोनों एग्जाम्पल इसमें नोट कर लो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, चिंकारा जो है लीस्ट कंसर्न में आता है चिंकारा, अभी इसका स्टेटस ये है लीस्ट कंसर्न। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, चिंकारा लिस्ट कंसर्न में। अरे भाई लिख लिया, कुछ हाँ ना बोलोगे, वेट करते रहे बस, अभी आगे बढ़ जाएंगे तो कह दोगे लिख नहीं पाए। लिख लिया, आगे बढ़े। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में बना, ग्लैंड हेडक्वार्टर है, ये जारी करते हैं रेड डाटा लिस्ट, इसको रेड बुक भी कहते हैं, जिसमें सेवन कैटेगरीज बनी हैं एनिमल के पॉपुलेशन के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, जिसकी जैसे नंबर उसकी वैसी कैटेगरी। राजस्थान के दो बड़े इंपॉर्टेंट चिंकारा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोनों की कैटेगरी ये है, ठीक। तो गोदावान या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साइंटिफिक नेम ये राजस्थान की स्टेट बर्ड, 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था। वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड कोरी बस्टर्ड है, उसके अलावा ये भी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड किस कारण से? शिकार के कारण, इसका जो ग्रासलैंड जहां ये रहती है वो एरिया खत्म हो रहे हैं, जानवर ज्यादा चर रहे हैं उस एरिया को, खत्म होता जा रहा है, और हाई टेंशन वायर वगैरह जो होती है उनसे कॉलिजन भी हो रहे हैं। गुजरात राजस्थान में है, कुछ पॉपुलेशन महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रा में भी है, पर वहां पर कम पॉपुलेशन है, मेजोरिटी है गुजरात राजस्थान। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल वन में इसको रखा गया है। इसकी पॉपुलेशन मेनली राजस्थान गुजरात मैंने बताया, और कुछ पॉपुलेशन महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्रा में भी है।
ये लिखा है यहाँ पर, मेनली इसकी पॉपुलेशन राजस्थान गुजरात में है और कुछ पॉपुलेशन महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्रा में है। इसके नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जून 2019 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी भी स्थापित की थी डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर जैसलमेर में। ब्रीडिंग सेंटर इसका, ब्रीडिंग सेंटर इसकी पॉपुलेशन वगैरह कैसे इंप्रूव कराई जाए, तो जून 2019 में ये पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकार का, राजस्थान की गवर्नमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तीनों ने मिलकर प्रोग्राम चलाया, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी सेटअप की जैसलमेर के अंदर डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर। कैसे इसको प्रोटेक्ट करें, पॉपुलेशन कैसे इंप्रूव कराई जाए। डेजर्ट नेशनल पार्क ये जैसलमेर बाड़मेर जिले में पड़ता है, बता दिया। यहाँ कई प्रकार की प्रजातियां, राजस्थान का ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, कई प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी मिलती है, चिंकारा भी है, स्टेट ट्री यहाँ का खेजरी और स्टेट फ्लावर रोहिडा, ये सब चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को, डेजर्ट नेशनल पार्क इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को साइट इन 1980 एंड नेशनल पार्क इन 1992। 1992 डेजर्ट नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1980 और नेशनल पार्क इन 1992। द वाइल्ड लाइफ ऑफ द डेजर्ट नेशनल पार्क इंक्लूड ब्लैक बक, चिंकारा, डेजर्ट फॉक्स, बंगाल फॉक्स, कई प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर हैं, ये सब एनिमल है यहाँ पर, कई प्रकार की प्रजातियां हैं यहाँ। इसमें एक करेक्शन करो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टेंटेटिव लिस्ट में है ये, ईयर भी गलत है, ईयर ये नहीं होगा। नेशनल पार्क बनाया 1992 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, ये है टेंटेटिव लिस्ट कि भविष्य में डिक्लेयर किया जाएगा। टेंटेटिव यूनेस्को तो पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, उसमें डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं, उसमें केवला देव है, ये नहीं है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है, फाइनल नहीं है अभी ये, तो इसके ईयर काट दो, ये डिक्लेयर नहीं हो गया है, इसको करेक्शन कर लो यहाँ पर जरा। वो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा केवला देव के लिए बात हो रही, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में है ये फाइनल नहीं है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क यूनेस्को लिस्ट, क्योंकि यूनेस्को पूरा पढ़ा दिया है मैंने जीके करंट अफेयर में, इसके बारे में जिक्र कहाँ आया हुआ। तो डेजर्ट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क तो 1992 में बना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टेंटेटिव है कि इसको ऐड किया जाए, टेंटेटिव है कि ऐड किया जाए, अभी ये फाइनल नहीं है। 43 साइट जो इंडिया वाले हैं उसमें इसका नाम कहाँ लिखा था? ठीक है, और कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं, ये सब कुछ स्पीसीज हैं, क्यों ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रजातियां यहाँ मिलती हैं, ये करेक्ट कर लेना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में टेंटेटिव लिस्ट, टेंटेटिव लिस्ट, टेंटेटिव मतलब नाम भेजा हुआ है, अप्रूवल नहीं हुआ अभी, अभी ये डिक्लेयर्ड नहीं है। डिस्पाइट अ फ्रेगाइल इकोसिस्टम
देयर एग्जिस्ट एन एबंडेंस ऑफ बर्ड लाइफ, बर्ड्स भी कई सारे हैं यहाँ, कई सारे बर्ड्स भी हैं यहाँ आपको, ईगल्स, उसके अलावा हैरियर, फाल्कन, कई प्रकार के बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, कई प्रकार के बर्ड्स इस एरिया में पाए जाते हैं, ये सब बर्ड्स वगैरह हैं यहाँ पाए जाते हैं, काफ़ी ऐसे यहाँ जरूरत नहीं है। डेजर्ट नेशनल पार्क में डायनासोर वगैरह के फॉसिल्स भी मिले थे, डायनासोर के फॉसिल्स का भी पता चला था यहाँ पर कि इतने साल पहले डायनासोर हुआ करते थे इस एरिया में, तो फॉसिल्स वगैरह भी इस एरिया से पाए गए थे। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बताया, राजस्थान ने स्टार्ट किया था 2013 में, राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ह्यूमन प्रेशर को कम किया जाए, हैबिटेट लॉस रोका जाए, कैसे कैसे इनको बचाया जाए उसके लिए। तो जून 2013 में राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया था प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कैसे इनका प्रोटेक्शन किया जाए, प्रेशर कैसे कम किया जाए, पोचिंग वोचिंग कैसे रोकी जाए। पोचिंग होते हैं शिकारी जो इनको मार के इनके बॉडी पार्ट बेच देते हैं, पोचर्स। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन रीजन, ह्यूमन जिम्मेदार है जिसके लिए, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन जिनके लिए जिम्मेदार है। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इट वॉज लॉन्च बाय द राजस्थान गवर्नमेंट 5 जून 2013 टू कंस्ट्रक्ट ब्रीडिंग एंड इंक्लोजर फॉर द स्पीसीज एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस ह्यूमन प्रेशर ऑन द हैबिटेट। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले डिसीजन दिया था, कि जो हाई टेंशन वायर वगैरह हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, वही डिसीजन लिखा है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसके लिए अर्जेंट प्रोटेक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी हाल ही में बनाई टू सजेस्ट एरिया फॉर अंडरग्राउंड लेइंग ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन, तो राजस्थान और गुजरात के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि राजस्थान और गुजरात के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है कि भाई सॉल्यूशन बताइए कैसे अंडरग्राउंड केबलिंग की जाए, इनको बचाया कैसे जाए। ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में आया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए हाई टेंशन जो पावर लाइंस हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के लिए फैसला दिया है, गुजरात और राजस्थान दो स्टेट के लिए, मेन पॉपुलेशन यही दो जगह है इसकी। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडेंजर्ड स्पीसी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड भी क्या, क्रिटिकल इंडेंजर्ड। तो एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की गई है कि वो कमेटी रिकमेंड करे किस तरह से अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन लाइन वगैरह बिछाई जाए इनको बचाने के लिए, अंडरग्राउंड पावर लाइन किस तरह से बिछाई जाए इनके प्रोटेक्शन के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रोटेक्शन के लिए। वो भाई ऊपर करेक्शन कर लेना, ये यूनेस्को साइट डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं है, अभी टेंटेटिव लिस्ट में है, अप्रूवल के लिए भेजा गया, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, वहां टेंटेटिव लिखना है ब्रैकेट में। चलो ये कंप्लीट। इसके बाद स्टेट ट्री खेजरी, खेजरी का साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, स्टेट ट्री खेजरी, राजस्थान का स्टेट ट्री खेजरी प्रोसोपिस सिनेरेरिया का नाम है। खेजरी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड राजस्थान स्टेट ट्री इन 1983, राजस्थान स्टेट ट्री इसको डिक्लेयर किया गया था 1983 में। तो ये इसके फ्रूट वगैरह जो हैं वो भी काम आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि डेजर्ट एरिया कम पानी में भी सरवाइव कर जाता है ये, तो राजस्थान में जो डेजर्ट डेजर्टिफिकेशन को रोकने का जो एक सॉल्यूशन हो सकता है, कम पानी में सरवाइव कर जाता है, तो खेजरी प्लांटेशन भी एक सॉल्यूशन होता है। जो कम पानी में प्लांट सर्वाइव कर जाएं वो बड़े जरूरी हैं उस एरिया के लिए। तो खेजरी के इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी बहुत हैं, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी काफ़ी हैं। तो खेजरी वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड राजस्थान स्टेट ट्री 1983 में। स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं कि इसको बचाया जाए, खेजरी को बचाया जाए, ज़्यादा इसको कटिंग वटिंग ना की जाए, ज़्यादा इसको खाली ना कर दिया जाए पूरे एरिया को, इंक्लूडिंग प्रोहिबिटिंग फेलिंग अंडर द राजस्थान टिनेंसी एक्ट और राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट। खेजरी को प्रोटेक्ट किया जाए, कई सारे जो स्टेट के कानून हैं उनको भी अप्लाई किया हुआ है। राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953, राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1965, कई सारे कानून हैं
कि खेजरी को प्रोटेक्ट किया जाए, खेजरी को काटना वाटना जो है मना है, सॉइल को होल्ड करेगा, सॉइल को होल्ड करेगा, डेजर्ट एरिया बढ़ने से रोकेगा, उल्टा और प्लांटेशन होना चाहिए, कम पानी चाहिए इसको सर्वाइव करने के लिए, तो बहुत अच्छा है वहाँ के लिए। तो खेजरी जो है राजस्थान का स्टेट ट्री, कई सारे बेनिफिट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, कम पानी में सर्वाइव कर जाता है ये। खेजरी को और भी नाम से जाना जाता है, कल्पतरु, शामी, जानती, इन नामों से भी जाना जाता है। इट इज ए हार्डी ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्री, हार्ड ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्री। ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा। ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्री दैट हैज बीन सिंबल ऑफ सर्वाइवल इन द हार्श डेजर्ट। तो जब हम एक आपका टॉपिक डेजर्टिफिकेशन जो सोशल एस्पेक्ट में आता है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए जरूरी है इस तरह के प्लांट लगाए जाएं जो कम पानी में वहां सर्वाइव कर जाएं, उनमें खेजरी भी एक है, और भी है कई सारे, खेजरी भी है। तो हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो एक तरह से ये डेजर्ट एरिया के लिए लाइफलाइन भी है, लाइफलाइन है फॉर द डेजर्ट एरिया। इससे फूड भी मिल जाता है, जानवरों को बांधने की जगह भी मिल जाती है, फूड भी मिल जाता है, जानवरों को बांधने की जगह भी मिल जाती है, छाया मिल जाती है डेजर्ट एरिया में। इसके फ्रूट जो है सब्जी वब्जी बनाने में काम आ जाते हैं, फ्रूट लीव्स ये सब भी यूज हो जाते हैं खाने में। तो द खेजरी ट्री इज अ लाइफलाइन फॉर द डेजर्ट इकोसिस्टम। इससे खाना, शेल्टर जानवरों के लिए और ह्यूमन के लिए, फ्रूट लीव्स ये सब चीजें काम की हैं। खेजरी के जो फल होते हैं उसको सांगरी बोलते हैं, खेजरी का जो फ्रूट है उसको सांगरी कहा जाता है, और इसके जो फ्लावर होते हैं उसको मिंजर कहते हैं। खेजरी के फ्रूट को सांगरी और इसके फ्लावर को मिंजर बोला जाता है, सांगरी फ्रूट को, फ्लावर को मिंजर। इसके बाद स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर है रोहिदा, तीन तरह के कलर में आता है ये, रेड येलो ऑरेंज, तीन तरह के कलर में आता है रोहिदा स्टेट फ्लावर वहां का। टैकोमेला ओंडुलता ये इसका साइंटिफिक नेम है, टैकोमेला ओंडुलता ये इसका नाम रोहिदा। तो तीन कलर, रेड येलो ऑरेंज कलर का होता है, थार डेजर्ट एरिया में मेनली पाया जाता है, और ये स्टेट फ्लावर डिक्लेयर हुआ था 1983 में। तो रोहिदा राजस्थान का स्टेट फ्लावर, साइंटिफिक नेम टैकोमेला ओंडुलता, स्टेट फ्लावर 1983 में डिक्लेयर हुआ था, तीन कलर में अवेलेबल है, थार में पाया जाता है। ये फ्लावर ग्रो करता है मीडियम साइज के ट्री के ऊपर, जिस जो क्वालिटी टिम्बर प्रोड्यूस करता है, इसका जो पेड़ होता है जिसपे ये ग्रो करता है क्वालिटी टिम्बर प्रोड्यूस करता है, और डेजर्ट एरिया का लोकल ट्री है, लोकल प्लांट है वहां का, इंडिजिनस ट्री स्पीसीज, इंडिजिनस मतलब वहीं का लोकल। तो स्टेट फ्लावर रोहिदा, साइंटिफिक नेम ये, मीडियम साइज ट्री के ऊपर ग्रो करता है जो क्वालिटी टिम्बर भी देता है हमें, और इंडिजिनस ट्री है मतलब वहीं का लोकल है, डेजर्ट एरिया का, शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र में काफी पाया जाता है, राजस्थान के शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र में काफी पाया जाता है। ट्रेड जिस नाम से व्यापार होता है इसकी लकड़ी का, ये डेजर्ट टीक और मारवाड़ टीक के नाम से बेचा जाता है, मार्केट में डेजर्ट टीक या मारवाड़ टीक के नाम से मिलता है। तो रोहिदा जो फ्लावर जिस ट्री पे ग्रो करता है, मीडियम साइज का ट्री होता है, क्वालिटी टिम्बर मिल जाती है, लकड़ी मिल जाती है, डेजर्ट एरिया का ही लोकल ट्री है ये, शेखावटी और मारवाड़ राजस्थान इस क्षेत्र में अच्छा खासा पाया जाता है, और कमर्शियल नाम इसका डेजर्ट टीक या मारवाड़ टीक के नाम से। रेड कलर इस तरह का। स्टेट का डांस कौन सा है, घूमर, घूमर डांस ट्रेडिशनल फोक डांस है राजस्थान का, भील कम्युनिटी, पहले इसको भील ट्राइब ने स्टार्ट किया था, वहां भील ट्राइब गॉडेस सरस्वती की पूजा करते थे, उनकी पूजा के दौरान ये परफॉर्म करते थे घूमर, आगे जाकर राजपूतों वगैरह ने भी अडॉप्ट कर लिया था इसको। तो स्टेट डांस है घूमर, घूमर ट्रेडिशनल फोक डांस राजस्थान का, स्टार्टिंग में भील ट्राइब के लोगों ने शुरू किया था गॉडेस सरस्वती की पूजा के लिए, आगे जाके और भी राजस्थान कम्युनिटीज ने इनको अडॉप्ट कर लिया था। तो घूमर ट्रेडिशनल फोक डांस है राजस्थान का, भील ट्राइब ने शुरुआत की थी, गॉडेस सरस्वती की पूजा के तौर पर करते थे, आगे जाके और भी राजस्थानी कम्युनिटीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। भील वर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, और वो कांस्टेंट वॉर वगैरह चलती रहती थी राजपूत राजाओं से, काफी युद्ध वगैरह हुए, उसके बाद शांति स्थापित हो गई। भील कम्युनिटी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हुआ करती थी,
राजपूत राजाओं से युद्ध वगैरह चला करते थे लगातार। लंबे संघर्ष के बाद शांति स्थापित हो गई थी, इंटरेक्शन वगैरह आपस में अच्छे हो गए, रिलेशन बिल्डअप हो गए, और घूमर वॉज परफॉर्म्ड एट राजपूताना, बाद में राजपूतों ने भी अडॉप्ट किया है। तो राजस्थान में कई कम्युनिटियां परफॉर्म करती हैं, ये स्टार्ट किया था भील कम्युनिटी ने, घूमर राजस्थान में भील कम्युनिटी के द्वारा स्टार्ट हुआ था, सरस्वती देवी उनके पूजा में। उसके बाद भील और राजपूतों का संघर्ष चलता रहता था, लंबे संघर्ष के बाद शांति स्थापित हुई और राजपूतों ने भी अडॉप्ट किया। अब तो बड़ा कॉमन हो गया, राजस्थान में कई कम्युनिटीज परफॉर्म करते हैं इसको। ठीक है, स्टेट का स्पोर्ट कौन सा है? बास्केटबॉल। स्टेट का स्पोर्ट है बास्केटबॉल, 1948 में डिक्लेयर हुआ। स्टेट स्पोर्ट है बास्केटबॉल। तो स्टेट के सिंबल कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें देखेंगे कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह। एक तो राजस्थान के यूनेस्को साइट कौन कौन से हैं वो देखेंगे, उनका बैकग्राउंड वगैरह क्या था, हिस्ट्री क्या थी, और उसके बाद फिर कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जब होगा। ठीक है, तो क्लास रोज तो नहीं, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा बीच बीच में क्लास करते चलेंगे, क्योंकि जीके करंट अफेयर भी चल रहा है, जीके करंट अफेयर भी चलेगा हफ्ते में कुछ दिन, ये भी क्लास चलेगी। डेली 7 दिन तो नहीं, पर कुछ कुछ दिन वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, जैसे इसके 5-10 लेक्चर खत्म होंगे अच्छा खासा कवरेज हो चुका होगा, पर जितना जितना मैं कराता जा रहा हूँ, जितना जितना नोट कराता जा रहा हूँ वो कवर करते चलो, उसको पेंडिंग मत छोड़ना। जो भी टाइम मिलेगा जितना जितना कराता चलूंगा उतना उतना रेडी कर लेना, उसको पेंडिंग नहीं करना है। करेक्शन ध्यान रखिए, डेजर्ट नेशनल पार्क यूनेस्को हेरिटेज के लिए टेंटेटिव है कि वो डिक्लेयर किया जाए, अभी हुआ नहीं है। केवला देव नेशनल पार्क जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, वो यूनेस्को साइट में ऑलरेडी है। ठीक, ये करेक्शन कर लेना। अब मुझे आप ये बता दीजिए, इस अप्रोच में कोई दिक्कत तो नहीं? लिखने का टाइम आपका बच जाए, सुनने समझने पे ध्यान देना है, एडिशनल पॉइंट वगैरह देखने हैं, या सारी लाइनें मैं लिखवाऊं? पीडीएफ मैं इसलिए बना के दे रहा हूं क्योंकि वही पीडीएफ में अगर बोर्ड पे लिखूंगा तो वो लिखने पे ध्यान दोगे, सुनोगे नहीं फिर। तो आप मुझे बता दीजिए, एक एक लाइन लिख के पढ़ाना है, लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर इतना अगर मैं लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम ले जाएगा ये। तो मेरा फोकस ये है कि भाई 90% 80% चीजें मैं लिख के आपको बना के दे दूं, एडिशनल पॉइंट साथ साथ लिखवा दूं, जिससे कम टाइम में कवरेज ज्यादा हो जाए, टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, और प्रॉपर लाइन टू लाइन सारा मिल जाएगा, तो लिखने के बर्डन आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल मैं शेयर कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। थैंक यू ऑल। पीडीएफ पार्ट टू जो मैं दूंगा, पार्ट टू आपको कल मिल जाएगा शाम तक। पार्ट टू भी मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है। हर पीडीएफ जो मॉड्यूल मैं आपको दूंगा, बहुत हैवी नहीं, 100 पेज नहीं दूंगा मैं, 10 से 15 पेज के मॉड्यूल दूंगा मैं आपको पार्ट्स में, ताकि वो 10 से 15 पेज साथ साथ कवर करते चलो, ज्यादा ना लगे। 100 पेज भी देने में मुझे दिक्कत नहीं है, पर 100 पेज हालत खराब हो जाएगी, किनारे रख दोगे, पढ़ोगे नहीं। 10 से 15 15 पेज के मॉड्यूल, जिससे आप उतना उतना कवर करते चलो, क्लास भी कवर हो जाए, पीडीएफ कवर हो जाए, लास्ट तक पता भी ना चले, और पूरा रेडी भी हो जाए डाटा। इकट्ठा बर्डन नहीं लादना है, और टाइम हमारे पास है, अच्छा खासा कवरेज है, तब तक कर लेंगे। टॉपिक मैंने बता ही दिए क्या क्या कवर करने हैं। बाकी पीवाईक्यू जरूर देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना, पीवाईक्यू जरूर लगाइए भाई। पेपर तो जो आए हैं वो एक्चुअल चीज है ना, जो कमीशन ने पेपर बनाए हैं वो तो एक्चुअल पेपर है, उसमें तो कोई ब्लफ नहीं कर सकता। पीवाईक्यू जरूर लगाओ, जिससे पता चले कि जो अप्रोच फॉलो हो रही है प्रॉपर, उस पर ट्रैक पर चल रहा है कि नहीं, क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। और जब टाइम मिलेगा, एग्जाम के पहले टाइम अलाउ करेगा, तो पेपर मैं कराऊंगा भी, कोशिश करूंगा जितने करा दूं, पर वो पहले से जेई के पहले हाँ नहीं कर रहा हूं पेपर के लिए, पहले मैं सब्जेक्ट करा दूं, टाइम अलाउ करेगा तो कुछ पेपर जरूर डिस्कस कर लेंगे। एई के लिए तो टाइम बचेगा हमारे पास, जेई के लिए कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे, उसके लिए मैं ट्राई करूंगा जितने करा पाए, पर उसके लिए पहले हाँ नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप करा दूंगा, टाइम बचेगा तो, पहले से बोल नहीं रहा हूं मैं उसके लिए। ठीक है क्लास।